अस्सलाम वालेकुम असल और हजरात वेलकम बैक टू नदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स दिस इज़ योर होस्ट फॉर टुनाइट एपिसोड यूसरा मुर्तज़ा आई नो आप टाइटल देख के थोड़ा सा परेशान हुए हुए एंड देन मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ सो यू नो यू नो दैट देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन एंड देन देर इज़ सम स्पेशल अनाउंसमेंट दैट वी हैव आज के लिए एंड दैट इज़ वाई हमारे साथ जो आपके बिलवड होस्ट हैं वो आज हमारे गेस्ट हैं सैयद मुजम्मल हसन जैदी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे Thank you, thank you. Uh, <laughs> how are you feeling? I'm feeling good. I'm feeling okay, I guess. Yeah. Uh, any uh, initial thoughts on the podcast? before we start uh, I'm excited I'm excited to have this conversation I haven't been on this side of the table for almost yeah, 100 been yeah, a hundred episodes yeah we did la we did this last time humne, I think 151 episode 151? Si 150 season 2? 150 heti, like black time very amateur hoti thi. <laughs> <laughs> thari, uh, amateur uh, attempt hosting on <laughs> e interesting thing of history mein quality

दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड और अनाउंसमेंट हम पे हम आएँगे लेकिन वी विल स्टार्ट विद हाउ वी यूजली स्टार्ट फॉर्मेट के बेसिस पे एंड हम अर्ली लाइफ डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वो हम ऑलरेडी बहुत दो बार कर चुके हैं स्पॉडकास्ट right. के ऊपर एंड देन इफ़ समन हैज़ नॉट वॉचड तो आप पहली एपिसोड जाके देख सकते हैं कार्ड आ रहा होगा ऊपर एंड देन यू कैन वॉच द वन फिफ्टियथ एपिसोड एज वेल But um, I would still like to recap it a little because बहुत नई audience भी हमारे पास आई है तो मैं उसको recap करती हूँ और अगर I'm missing some parts तो आप उसमें add कर दीजिएगा। ठीक है। So you were born in Saudi. आपकी uh -huh. सारी family वहीं पे होती थी उससे पहले। yeah. And then when you were born, so I think you were one or two and they moved back। I or was you? one years old, yes। Okay. So you guys moved back straight to Islamabad or to Karachi? No, we went to Lahore. Okay. Uh, we stayed in Lahore for I believe two years. Um I think we came to Lahore in ninety two. We stayed in Lahore till uh, to, uh ninety-four. So a year, year and a half. And then uh ninety four my father got a job. He was jobless for most part mm -hmm. of the uh, wo mm -hmm. rahi te, leka, unko rahi uh career banker. So then he got a job at uh Askri Bank, Nea Bank tha, and he was I believe the fourth or the fifth employee there, part of the founding team. सो योट जॉब इन इस्लामाबाद एंड देन यू नो मे मूव हेयर नहीं एक्चुअली आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग नाइन्टी वन में हम आए थे नाइन्टी टू तक हम लाहौर में थे नाइन्टी टू के बाद हम इस्लामाबाद आए थे नाइन्टी टू से नाइन्टी फोर हम दो साल एक रेंटेड हाउस में रहे थे ओके okay. uh, और उसके बाद फिर नाइन्टी फोर में हमने अपना फाइनल घर लिया जिस घर में फिर मैं आज तक रहता हूँ ओके okay. No, वहाँ पर uh, इट वॉज सिख नेबरहुड तो वहाँ पर उनके जो वो छोड़ के गए थे उनको वहाँ पर वैक्यू प्रॉपर्टीज़ मिली थी आ, आ, मुस्लिम्स की और जो मुस्लिम्स वहाँ से आए थे उनको उनकी जो इंडियन mm -hmm. प्रॉपर्टीज़ थी उनके बस यहाँ पर मॉडल टाउन में प्रॉपर्टीज़ मिली थी okay. uh, तो आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक अगर मॉडल टाउन की बात की जाए तो आई हैव लाइक एटलीस्ट मैं साठ सत्तर ऐसे घर बता सकता हूँ जहाँ पर हमारे यू नो क्लोज़ और दूर के रिश्तेदार रहते अच्छा आई थिंक मुझे लग मुझे इसलिए भी लग रहा था आप लोग उर्दू स्पीकिंग थे ना सो so लाइक hmm. like, आप नेचुरली वो सोचने लग जाते हो कि कराची में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है तो वहाँ से हो गए ठीक है एंड देन यू लिव्ड इन दिस हाउस होल योर लाइफ लाइक ऑलमोस्ट मेजर पार्ट आप यहीं पे रहे हैं हम इधर ही रहे हैं और इस पर थोड़ा okay. uh, सा तस्करा हुआ था मेरे वाले साहब वाली hmm. जो पॉडकास्ट थी उसके ऊपर दिस हाउस इज वेल बट फॉर मैं फर्दर डिटेल दे देता हूँ दिस पर्टिकुलर रूम दैट जिसमें पॉडकास्ट चल रही है Um, जहाँ पर आप एक्चुअली बैठी हुई हैं ना तो आपके बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट आपके बिल्कुल पीछे बंकबैट होता था उधर मैं सोता था फॉर ऑलमोस्ट एट ईयर्स दिस रूम यूज़ टू हाउस माई मदर माई फादर एंड फोर ऑफ अस्ट सिबलिंगस एक बंकबैड था उसमें तीन बहन भाई सोते थे एक मेरे पीछे गद्दा बज बिछा होता था एक उस पे भाई सोते थे uh, जो हैप्पी चर्प का रूम है वहाँ पर मेरी दादी होया करती थी शी वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड तो वो शी यूज रूम um and jo hamara fir park ke bahar hai wo that was मतलब इस, इस कमरे में योर एंटायर फैमिली यूज्ड टू लिव वी ऑल ऑफ अस यूज्ड टू लिव सो दिस इज अ वेरी स्पेशल रूम फॉर मी uh yeah. you know my entire childhood was in this room i moved out of this room when i was 14 years old uh and then i eventually you know we we won the case नहीं ये तो वैसे बहुत मोन्यूमेंटल हो गया थॉट बिहाइंड थिंग्स वी इस रूम में लाइक यू नो एवरीथिंग लाइक दिस हाउस दिस फ्लोर इज वेरी या इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट या वेरी क्लोज uh -huh. know, और वे ये भी ना कि बहुत मेजर मेजर जितने भी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स या आपके चाइल्डहुड वाला जो पार्ट जो आपको याद रह गया या फिर जो आपकी आगे आके जिस कंटेंट um, पीस के थ्रू यू नो यू वर यू बिल्ड अ ब्रांड ये लाइक यू टुक इट फॉरवर्ड तो वो भी आपका इसी कमरे so, की like, wow.

मतलब 9 टू 11th लेवल्स वाज इन बीकन हाउस मार्गला कैंपस एंड देन 8 लेवल्स वाज इन बीकन हाउस बनिगला कैंपस व्हिच इज नाउ द बीकन हाउस न्यूलेन कैंपस न्यूलैंड स्कूल्स सलाबाद ओके एंड आपने मेरे ख्याल से हमना के साथ जो पहली एपिसोड की थी उसमें बहुत डिटेल में बताया लाइक हाउ दी स्कूल्स यू नो मतलब उसने एक चीज स्टार्ट की थी इन यू के हाउ डाइवर्स पीपल आर हाउ यू नो डिफरेंट लोगों में आप बैठते हैं तो किस तरीके से आपकी आई थिंक पर्सनलिटी बिल्ड होना शुरू होती hmm. है वेर यू फील लाइक दैट यू आर एन आउटसाइडर एंड देन इन सम पीपल यू फील लाइक यू यू नो बिलोंग देर वो सारी चीजें वाई आई कीप दैट दैट एपिसोड इज़ आई थिंक वो बहुत रॉ थी एंड उसमें बहुत डिटेल में आपकी लाइफ डिस्कस हुई हुई है इवन दो यू आर होस्टिंग इट बट हम ना uh, you know, yeah. yeah. चीजें में भी नहीं आया था ना हाँ, तो बड़ा yeah. उस टाइम पे बड़ा मैंने दिल से इट वाज वेरी डार्क तो या इफ समवन वांट्स डिटेल तो वो जा सकते हैं वहाँ जाके यू नो कर सकते हैं एंड देन ऑबवियसली उसके बाद ये यूनिवर्सिटी हुई एंड देन आपने चार साल बैचलर्स किया इन डेटा साइंस इन कंप्यूटर साइंस ओके इन कंप्यूटर साइंस विद मेजर इन डेटा एनालिटिक्स ओके okay, ठीक है एंड वो फास्ट से किया था आप बिल्कुल ठीक है uh, यहाँ तक एंड बाय द टाइम यू वर इन यूनिवर्सिटी आपने उस टाइम पे लॉज भी स्टार्ट कर दिया था सो so, मैंने 2010 में यूनिवर्सिटी से पहले आई टू का ईयर ऑफ एंड ट्वेंटीड लॉज स्टोरीज डूंग्रफी दैन इन टू थाउजेंड एंड एलेवन आई स्टार्टी एट फास्ट आई एक्चुअली स्टार्टी इन टू थाउंडी ए कपल ऑफ मंथ्सलियंस अगेन आई थिंक एक्साइटेड इनिसोड दैन टू थाउजेंड अलेवन में मैंने फा इस्लामाद में स्टार्ट किया लॉल स्टूडियोज तक भी चल रहा था लॉल स्टूडियोज़ की जो वीडियो साइट थी वो आई थी दो हज़ार बारह में जिसमें अगेन ट्वेंटी टू एंड एक्ट क्लाइनस आई थी um, उसमें आपकी जो है वो अडेन mm. इस्लामाबाद का टाइम लैब्स का डिजिटल उससे पहले पाकिस्तान में मैंने कोई डिजिटल टाइम लैब्स नहीं yeah. देखा था फर्स्ट टाइम डिजिटल टाइम्स केम आउट Um, I think it's still on your channel. It right? is on yeah. my channel, absolutely. Yeah. So if you go, if you want to see like Islamabad, olden you can see In fact, there are a few shots from there in that video that are shot from the uh, Magla Towers. जो गिरे हुए थे जिसमें से एक बिल्डिंग खड़ी हुई थी जो कि एवेंचुअली 2013 या 14 के अंदर उन्होंने डी कमिशन करके गिरा दिए थे आ, तो वो उस टाइम पे खड़े हुए थे तो वी एक्चुअली वेंट टू यूज्ड टू तो गो एट नाइट जो लेट नाइट वाली सीन्स हैं वी यूज्ड टू तो गो एंड वो टूटी टूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के छत से फिर हमने सारे वो शॉट्स लिए थे ऑफ एफ नाइन पार्क एंड वो सारे के सारे um, So the videos paper on in 2013 when the elections were coming in so we decided to mm -hmm. do, do this sort of campaign to encourage people to go out to vote because uh, little the people weren't in the habit of really going out and voting yeah. in pakistan uh, so we did that campaign and that got like that was fairly well received it was i mean translated in over 10 different languages offline and you know a lot of ngos took it, took it with them and showed it to a lot of people um, and at the time we did a research and uh, one in three pakistanis on facebook at the time had seen at least mm -hmm. one episode from that series ah. um, So, and that was for us was like our first major video uh, sort of project it was fresh content like nobody yeah. was watching it and nobody was creating it yeah, so, at yeah. The time. yeah. Um, so we did that and and yeah so i mean law studios were on and off um, we did that for a while mm. till 2015 but uh, then that's when we graduated as well एंड उसके बाद ट्वेंटी फिफ्टीन में लास्ट आई थिंक वी डेट थी दैरासटैक वीडियो एंड दैट जॉज ब्लू अपल एवरीवेयर अनएक्सपेक्टेडली फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैट वॉज एक सी एन एन वाला इंटरव्यू था वो प्राइम टाइम था वो सी एन एन इंटरनेशनल था तो वो लाइक आई गॉट pictures from airports all over the world restaurants all over the world of followers I'm, I'm in like south america south africa right now i'm about to take my flight and do tv like i what's going on yeah. how, that's how like old a, were you I was 25 i suppose um, and that's a feeling

It feels like it's coming from the heart. Like yeah. because us time pe it was all about like Muslims as like you know, terrorists And then as a young blood you feel like, you know, why we are all, you know, being painted as one thing or yeah. and then why everybody's just Is against us. I think वो हमेशा से था क्योंकि हमारे आ, बड़े कहते थे कि यू नो बाहर नहीं जाके रहना क्योंकि वहाँ पर ये है वो है। लेकिन इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम हम सोशल मीडिया यूज कर रहे, हम social media पे देख भी रहे पे हैं सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे तो आपके दिमाग में थॉट आ रही थी हमें बर कि वो आई आई अपलोडेड दैट वीडियो अब रैंडमली सोच आई कि यार बना लेते हैं घंटे में बनाई अपलोड कर दी छोड़ दी अगले दिन उठे हैं तो वो पता नहीं क्या हो चुका था और नॉर्मली आपके पाकिस्तानी कमेंट्स होते हैं सिर्फ फ्रांस के लोगों के आ रहे हैं यूरोप के लोगों के आ रहे हैं वो वहां पर वायरल हो रही है पाकिस्तान में Um, the guy, uh, so so. This is a Beatles song. Basically, John Lennon had s sung this song, uh, Imagine, and this was actually written by his wife Yoko Ono. Um, and Yoko Ono, at the time when she was alive, and she her representation reached out, and they said, you know, we, saw, we showed the video to Yoko Ono, and uh, you know, she was she loved it, and she was like, you know, when I this is the sort of uh -oh. um content like this is a sort of feeling that i wanted to go uh, for it for people to combine rather than um and that's i mean beatles Goosebook. and yoko ono is yeah. just like hey, yari, kya ho <laughs> yeah, na, what's going on <laughs> yeah uh, so that was mind-numbing uh, um i think at the time wo jo, wo jo tha, like it was uh, surreal it okay, was happening much. to you for the first time for right? the first time seeing and interview. Hai.

Oh my God! It's like in the movies. Yeah. Uh, so that was interesting. That was interesting. It's, it, it's really interesting. Like in, uh, uh, I think a lot of people what they don't know is like, after that, a very you had an off social media time. Yeah. And one of the major reason is Paris attack video yeah. and the uh, the follow up the that virality happened after, that. after yeah. it and then you know. Uh, एक पीक मिला कि हर जगह हूँ हर जगह हो रहा है हर जगह कवरेज है ये हो रहा है एंड देन ऑब्वियसली ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड डिड नॉट नो हाउ टू टेक इट बिकॉज यू नो अब इसको किस तरीके से आगे मोल्ड करना है क्या करना है या फिर अगर hmm. वो समझ आ भी रहे तो हाउ टू मेनटेन इट Yeah, I mean I think yeah. uh guidance is very important. Mentorships do, ignore thoughts? Um I didn't have that at the time. And while there were so many supportive people and they were like a big bunch of supportive people from friends to family and everybody mm. everybody. Um, because they're supportive, so generally you tend not to share your, uh, yeah. your sort of darker thoughts with them as well, right? And um, when you when you are that viral, you first of all you tend to get this sort of imposter syndrome. फर्स्ट ऑफ आल यार मैंने तो एक वीडियो बनाई थी मैंने डाल दी अब साठ सैडली नाव आर लुकिंग एट मी मैं लाइक वाओ यार सीएनएन आया वाओ यार ये कर रहा है वाओ ये तो दुनिया बदलेगा जाकर एंड जस्ट लाइक कि भाई मैंने तो एक वीडियो बनाई थी ठीक <laughs> है एक हफ्ता yeah. पहले भी मैं वैसे ही था आज भी मैं वैसा ही हूँ एंड देन मोर देन दैट जो सोशल मीडिया इन इट सेल्फ इज़ मैंने जितना फिर उसको ज़ाहिर है कि करीब से देखा सोशल मीडिया को सोशल मीडिया एक्चुअली इज़ 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 अ ड्रग राइट एंड मैं प्योरली एज अ क्रिएटर बात करूँगा कि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं और आप उसके ऊपर डे एंड डे आउट वीडियोज़ बना रहे होते हैं और इन अ लॉट ऑफ वेज़ यू कैन टू डीमनाइज द ऑडियंस इन अ वे कि इट्स ऑल अबाउट क्लिक्स एंड लाइक्स एंड शेयर्स सो इट्स नॉट रियली अबाउट दिस एक्चुअल ह्यूमन सिटिंग देयर एंड वॉचिंग यू राइट इट्स बिकॉज इफ इट्स इफ इफ इट्स अबाउट द एक्चुअल ह्यूमन आई वुड एंड शुड केयर वेदर इट्स वन ह्यूमन बींग और हंड्रेड ह्यूमन बींग्स बट वैन इट्स ऑल अबाउट लाइक्स एंड नंबर्स यू रियली डीमनाइजिंग दैम इन टू थिंकिंग बस जी ये तो डेटा है देर ऑल yeah, data points." एक नंबर बस टैग नंबर टैग है और और yeah. चाहे आपको बहुत कुछ मिल रहा हो लेकिन आपके दिमाग में यही होता है कि यार कल मुझे 40 मिलियन था तो आज मुझे 1 मिलियन क्यों है यू नो एंड एंड ऑब्वियसली उस पर कॉमेंट्स होते हैं उस पर uh, a, एक तो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड दिस आर ऑफ स्कैटर्ड थाट्स नो एवर आस्क मी सो बेर विद मी ओके बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग वॉज के पैरिस अटैक्स वाली वीडियो के बाद और उसके फॉलोअप पे जो इम्पैक्ट था उसके बाद पहली चीज़ मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि यार आई कॉन्ट गो बैक टू लाइक जस्ट क्रिएटिंग सोर्ट ऑफ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट कैटेगरी वीडियोस बिकॉज आई वाज लाइक यार इफ 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 कंटेंट कैन डू दिस कैन मेक दिस इम्पैक्ट कैन कैन कनेक्ट पीपल सो फार अवे दैन आई एम वेस्टिंग माई इंटेलेक्ट एंड माई एनर्जी एंड माई एवरी

एंड uh, ये वो टाइम है जब आपकी वाइन वाले क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे um, उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था यूट्यूब उस टाइम पे बैंड था और छोटे uh, 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 शॉर्ट फॉर्मेट नया नया बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड वो इतना क्रेजी वायरल हो रहा था कि यू you नो know, एक एक क्रिएटर आएगा और वो uh, दो हफ्ते के अंदर वो मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंचा हुआ है और वो जी हर जगह पे वायरल हुआ पैया एंड यू जस्ट लाइक मैं छः साल लगाए इंडस्ट्री में यू नो व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट एंड वॉज नो मोनिटाइजेशन इन द इंडस्ट्री से अब मैं ग्रेजुएट भी कर रहा था हाँ, तो अब वो प्रेशर भी है सस्टेनेबल वो है निकाह मेरा हुआ हुआ था तो मैं क्या कर रहा हूँ इज इट गोइंग टू रियली वर्क सोशल मीडिया एक इंडस्ट्री बनेगी नहीं बनेगी uh, मेरे दिखाऊ में थॉट्स बहुत ज्यादा थी एंड फैमिले सेबल ये हुँ. वो

मैसि डिप्रेशन एज वेल लाइक आई साइड कि जब आप उस लाइक से उसमें जाते हैं ना तो ये और यह हर क्रिएटर का होता है डिनाई डिफरेंट लोग कर लेंगे कि नहीं होता है वो नहीं होता हर क्रिएटर का ये एक साइकिल है जब उनकी पहली वेव आती है और वेव के बाद जब वो क्रैश करते हैं तो दे वुड गो इन टू डिप्रेशन दे वुड गो इन टू दिस सॉर्ट ऑफ वो के यार अच्छा क्योंकि जब राइस कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ईगो बूस्ट की जाती है उनको बहुत ज़्यादा किया जाता है कि यार वाओ तुम तो बहुत फ्रेश एयर केंग कंग आर्मी यू नो वो सारा कुछ है यार दुनिया में कोई भी इंसान होगा ना वो ऐसा चल जाएगा या या एंड माय मदर इज ऑलवेज बिल्ट मी एज यू नो के डोंट बी एरोगेंट डोंट बी दिस अल्लाह ताला का शुक्र करो अल्लाह ताला ने ये किया वो किया और मैं बार बार करता था मैं कहता था मैं तो बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ आई एम नॉट लेटिंग इट टू माई हेड सबकॉन्शियसली डू नो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल लाइक अगर control. आप सामने बैठे आप बैठे हुए हो और आपको आगे बैठे दस लोग बोलेंगे नहीं भाई तू किंग है हां हाँ, बोलते हाँ हो हाँ भाई हो सकता है हो सकता है, है आप कहते तो नहीं नहीं, नहीं यार नहीं नहीं मेरा वो नहीं और फिर लेकिन अंदर से ना आप कहीं ना कहीं पे उसको सबकॉन्शियसली इंटीग्रेट कर रहे होते हो तो so, उस पर फिर वो यू नो वैन वैन योर पीक सॉर्ट ऑफ पासज एंड नाउ यू यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू लॉस्ट एंड दस नो बडी टू टेल यू वट्स द नेक्स्ट स्टेप इज राइट एंड बिकॉज द थिंग इज अगैन इट वॉज वेरी नास इंडस्ट्री यू वन ऑफ द फर्स्ट गॉन एंड टू इट एंड जब हमने पीक किया तो कोई ऊपर था ही नहीं वो बता सके कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वाला भी नहीं था कोई और भी नहीं था कि यार नेक्स्ट टाइप इसका एक्चुअली ये होगा पता है तुम तो अगर यहाँ तक पहुँच गए ना तो हम ऐसा करो कि जॉनरा चेंज कर लो और जॉनरा चेंज करके उस पर बस इनफ टाइम लगाओ और तुम वापस उस जगह पर पहुँच जाओगे ये एक मिनट और बताएगा आज मुझे बस से बड़े लोगों ने पूछा मैंने उनको बोला मैंने कहा यार आज आप अगर लेट से आप ब्लॉगिंग कर रहे हो आपने ब्लॉगिंग छोड़कर अब आपने लेट से पॉडकास्टिंग में आना है या किसी में भी जाना है तो आप कर लो आपकी ऑडियंस डे पाएगी बट बारह महीने बाद यू विल बी यू विल बी बैक इन विजन हायर हो आपकी ग्रोथ होगी आपको तो कोई भी बताने वाला नहीं था mm -hmm. बस आई थिंक द क्लोजेस वाज फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री बट दैट्स आल्सो नो बट दे हैड नो आईडिया दे हैड नो आईडिया व्हाट वर्क्स ऑन सोशलस आर नॉट राइट एंड फिल्म एंड ड्रामा इज इज अ वेरी रीसेंट फेनोमेना एट द टाइम दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डिजिटल एज़ वेल सो तो वो खैर उस टाइम पे वो लैक ऑफ गाइडेंस भी थी तो खैर एनीवेज़ आई लेफ्ट एंड आई डिसाइडेड कि यार मैं अपना पर्स्यू जो मेरा पहले तो एक साल आई स्टार्ट आई डिड अ स्टार्टअप मैंने स्मार्ट होम्स का स्टार्टअप किया वी यूज्ड टू गो एंड इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमराज इन डिफरेंट हाउस मैंने खुद दांगड़ी बनाई हुई थी मैं सारा इलेक्ट्रिशियन का काम प्लम्बिंग का काम सारा मैंने really? अपने हाथों से किया हुआ है डिफरेंट घरों में जाके वायरस बिछाना uh, सारी कनेक्टिविटी करना फिर खैर उसके बाद फिर टू थाउजेंड एंड आई वेंट टू द यूएस वो जब स्टार्टअप फेल हुआ mm -hmm. तो आई वेंट टू दू एस माई फैमिली देर जनरली मेरी लाइफ में तीन इंसिडेंट्स तीन दफ़ा दो दफ़ा एक्चुअली मेजरली ऐसा हुआ है कि जब मेरी लाइफ में कुछ बहुत mm -hmm. ऐसा हुआ है कि मैं कुछ सोच रहा था और फिर कुछ डिफरेंट हुआ जब मैं फास्ट में घुस रहा था उससे पहले ईयर ऑफ हुआ था तो आई वॉज प्राइमिंग माई सेल्फ टू गो टू लम्स एंड आई कुंड ग्रेट्स तो फिर एवेंचुअली आई वन टू दू एस आई री सेट माइंड आई माइंड आई केम बैक एंड आई स्टार्ट लॉल्स एंड एवरीथिंग सिमिलरली मैंने जब ये ये हुआ तो रिफ्रेश करने के लिए आई वेंट टू दू एस आई वॉज देव फॉर आई थिंक फाइव मंथस विजिटेड माई सिबलिंग्स ऑल ऑफ दैम एंड आई केम बैक एंड आई अपलाई टू माई जॉब जैसा जब मैंने फास्ट शुरू किया था तो मेरी ड्रीम जॉब टेरा डेटा थी एंड जाहिर है कि थ्रू आउट दैट टाइम विद इन फास्ट मैं क्योंकि डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गया वर्ल्ड बैंक मेंज वेल तो मैंने उसको थोड़ा साइट पर करके मैं ये वाली साइट परसू करूंगा बट जब फिफ्टीन के अंदर अब सिक्सटीन में वापस आया हूँ और मैंने कहा मैंने वापस आई टी टैक में जाना है तो देन आई वॉज लाइक आई अपलाईरा डेटा गॉट इन One interview I have done in my life till date, and that was at Aradita. I got that interview, and I applied for it. And then I got in. I was there for, I would say, two years, huh, give I or take. Think, yeah. uh, and then 18, mein I left Aradita. 2016, you joined. Keada. 2016, I joined. 18, mein I left Aradita in, in October 18. एंड आई वज प्लानिंग मैं मीडिया को फुल टाइम परसू करूँगा मीडिया एंड ई कॉमर्स और वो सारा सारा वेरी इंटरेस्टिंग जॉब ऑफर फ्रॉम पहले भी वो गेस्ट आ चुके हैं हमारी पॉडकास्ट केपर सैद अहमद साहब उनकी कंपनी है आई डी पी एल तो उधर मुझे इंटरेस्टिंग जॉब ऑफर मिली वर्क फ्राम आई बिलीव डिसम्बर टू मार्च थ्री टू फोर मंथ टी नाइनटीन मार्च तक किया मैंने

हु सेट के मुजमिल जराइड राइट आए जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज करता है उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए एंड यू नो दे गच वे बस यूर नंबर एंड हमें ये चाहिए इस तरह का तो मैंने कहा ठीक है मैं चला गया um, वहाँ पर जाके खैर जब मैं गया तो मैं पूरी रिसर्च करके गया और मैंने जाकर कहा कि यार ठीक है आई वॉन्ट टू ये वो है तो जब बात स्टार्ट हुई ना तो उसके बाद मैंने उनको बोला मैंने कहा देखें जी मिनिस्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है और मैंने मैं पहले भी कुछ मीटिंग्स में जा चुका हूँ तो हमेशा ये होता था कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जब भी कोई चीज लेकर आता है ना कोई पॉलिसी कोई कुछ तो वो हमेशा एक रूल के, के साथ होती है कोई रूल आने वाला है और रूल इज़ ऑलवेज बैड इन इन वेस्ट सिचुएशन राइट आपका काम धंधा जिसका चल रहा है ऑब्वियसली सो प्राइवेट सेक्टर यार आप जो कर रहे हैं वो सब तबाह कर देगा सब कुछ एंड आप जीरो आप हंड्रेड परसेंट पे हैं तो आप ज़ीरो परसेंट पर आ जाएँ अच्छा मेरा उस पर बिलीफ सिस्टम थोड़ा फ़र्क था पहले यूट्यूब हो चुका हुआ था हमारे सामने पब्लिक का सेंटिमेंट आपके सामने है आपको पता है कि पब्लिक किस तरह रिएक्ट करती है चीज़ों के ऊपर तो एंड 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 बिकॉज पाकिस्तान एज गॉन थ्रू टेररिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो तो मैंने आई अप्रोच इट वेरी डिफरेंटली एंड आई टोल्ड हिम आई आई सेड लिसन अंडरस्टैंड तो 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 व्हाट यू टू गो थ्रू आप मुझे टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं टेरर फाइनेंसिंग नहीं टेरर ये टेररिज्म रिलेटेड कॉन्टेंट की बात करते हैं आई एग्री आप मुझसे हेट क्राइम्स की बात करते आए गरी आप वायलेंस इंसाइटमेंट टू वायलेंस की बात करते आए गरी बट देन हैव अ फ्रेमवर्क दैट विल टारगेट दोस्त नो दी एंटायर इंडस्ट्री

आज आप फिर से ये करेंगे पूरी एक पूरी इंडस्ट्री दबाव के बैठ जाएगी और उसके बाद फिर एक फालतू किस्म का एक ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क आएगा जिसके ऊपर आपको पता है करप्शन भी होगी लाइसेंस बिकेंगे भी, भी और एक्चुअल में जो है ना कोई इसको वो नहीं, नहीं करेगा तो खैर उसके ऊपर डिस्कशन हुई दुबई के मॉडल आया ये आया वो आया फर्क ये था वो बाईस करोड़ की आवाम और दुबई के हाफ द साइज ऑफ इस्लामाबाद इन टर्म्स ऑफ वो तो इट डज़ इन मेक एनी सेंस एनी वेज़ पर दे आई थिंक पार्ट पार्ट ऑफ दैम सॉ के यार इसका uh, he's smart and he understands a lot of these things so they took my number and they started uh, you know interacting with me and said कि uh, क्या है uh, different different areas के अंदर जो जो public importance के events होते थे उसके ऊपर coordinations करके uh, you know we started communicating uh, 2019 में ही पर उसके थोड़े कुछ महीनों बाद करतारपुर corridor कौर, खुला करतारपुर corridor खुला तो उसपे पे creators को uh, aligned करके we took from mm -hmm. Karachi Lahore all over Pakistan we took them to करतारपुर corridor and Uh, because a lot of these creators have Indian following, so wo, uh, you know, we were able to put that message out to a lot of the Indians or, or the Sikh community that was interested all over the world, but also specifically in India. Um, and that was a very good model of public-private partnership in a way that the creators wanted access to that and the, yeah. and the government wanted these things wanted the right demographic. Sake. And that was the first time when uh, access level was given or Wasara that and these, these things are very important for, for, for any industry to रियली कम आउट एंड एंड ग्रो क्योंकि इसमें जो है ना आपका um, एक तो ट्रस्ट की बात है आई वेंट टू कराची उसके थोड़े से बाद आई वेंट टू कराची एज वेल आई वेंट ऑल द करिएटर्स आई टॉक टू दैम के लिसन लाइक वॉट डू वी नीड एज एन इंडस्ट्री ये पुराने क्रिएटर्स थे बेकार फिल्म हो गए कराची वाइन्स हो गए इरफान से मुलाकात हुई मोरू से मुलाकात हुई आस्क दैम के आर वट डू नीड बिकॉज द गवर्नमेंट इज नाउ इंटरेस्टेड एंड सो वी नीड टू बिगेन टू आइडेंटिफाई के आर ठीक है ये छोटी मोटी बातें हैं ना कि यार बैन नहीं होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा बट रियली really, अगर मैंने स्केल बढ़ाना है मैंने कहना है कि यार जहाँ पर आज 50 बंदा काम कर रहा है वहाँ कल 5000 hmm. बंदा काम कर सकता है जहाँ पर आज जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग्स एक्स हैं तो क्या वो आपकी एक्सपोनशली ग्रो कर सकती हैं जिसमें आप शायद अकेले काम ना करें आपके नीचे दस बंदा एम्प्लॉयड हो एंड दैट्स वैन वैन यू क्रिएट दैट इंडस्ट्री दैट्स वैन यू रियली बिगिन टू बिल्ड द राइट इम्पैक्ट राइट एंड सो Um, उधर से भी फीडबैक लिया सारा कुछ हुआ एंड वन ऑफ द थिंग्स रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा मसला जो था हमारी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बट ओवरऑल इन पाकिस्तान इज ट्रस्ट डिफिसिट विद द गवर्नमेंट वो दिमाग में ये है कि गवर्नमेंट तो सुनने वाली ही नहीं है yeah. ना सुनना चाहती है एंड सो फर्स्ट स्टेप वन हमारे लिए था किट कैन वी डू टू ब्रिंग दैम टूगेदर ऑन द सेम टेबल एंड एंड बिगेन टू डू थिंग्स जिसमें इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट जो कर सकती है वो उनको सोल्व करे और उसके थ्रू जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो के यार ठीक है यू नो वी कैन सपोर्ट ईच अदर एज एज अ क्योंकि फेडरेशन के सब्जेक्ट है ना गवर्नमेंट yeah. भी फेडरेशन की है क्रिएटर्स भी फेडरेशन के हैं आपस में जब मिल मिला के काम करेंगे तो उस पर बेहतरी आएगी कुछ yeah. नुकसान तो Actually,

Uh, when uh, january came there when we did the uh, prime minister's meetup, because the idea over there was to they came it's called my story break down हम तमाम जितने पुराने क्रिएटर्स हैं नए वालों ने mm -hmm. भी शायद सुना हो कि हमें ये बोला गया कि यार ये टाइम ज़ाया करते हैं बच्चे फेसबुक पे लगे रहते हैं ये करते हैं वो करते हैं जब हमने क्रिएट क्रिएटर भी बन गए व्यूज़ भी आ गए तो ये हुआ कि ठीक है यू नो हॉबी अच्छी है बट एक्चुअल धंधा कुछ और होगा mm -hmm. ये तो एक्चुअल रियल टाइम वो नहीं है एंड द रीज़न आइ दी ओल्ड सीरियसली वॉज बिकॉज दे नेवर सो दिसमेट करियर दे सो सी एज एमट करियर डॉक्टर एज करियर ओल्ड डॉक्टर हैविंग हैड लिव्ड हिज लाइफ एंड स्टेबल राइट एंड सो फॉर देन देड नी एक्सेप्ट करियर अब आपने इसको सॉल्व करना है पाकिस्तान में यू नो आपने बड़ों को ये बाबर कराना है कि यार ये एक बड़ी लिजिटेबल इंडस्ट्री है उसका सबसे आसान तरीका जो मुझे नज़र आया ना वो ये नज़र आया कि यार पूरी इंडस्ट्री को ले जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा दोन पेंकन ली हमने उनके साथ कॉर्डनेट करके वो नोड मीटअप Yeah. And we took that photo that yeah. was designed around uh, the Oscar selfie. By the way, which was designed. Yeah, uh, yeah. I was coming to that point that you did an engineer that you took a selfie. That it will be a crazy selfie and it will be viral or all that will happen. it was the yeah. imagery because you you see all every day you see prime minister के साथ वो वाली pictures आती हैं Oscar की selfie क्यों viral हुई थी? Because all of those really successful people were in this sort of a गंदी क्वालिटी की एक सेल्फी या yeah, you always see like पापा राजी की बहुत वो वाली इमेजेस या फिर बहुत कवर मैगज़ीन वाली इमेजेस and you're like you know picture perfect thing like हाँ, you know lighting हाँ. होगी एक proper pose होगा so when you see like रॉसी इमेज है तो इट्स इट्स वो फिर एवेंचुअली वायरल हो गई एंड द थिंग इज के उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्रिटिसिज्म मिले या तारीफ हो या जो भी हो हमें इससे गर्ज था कि एज मनी पीपल एज पॉसिबल कैन सी दैट पिक्चर बिकॉज द इमेजरी इज बेसिकली कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कि शुगर इंडस्ट्री के साथ बैठता है जो यू uh, नो you know, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बैठता है आई टी इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री अब हो चुकी है उसके साथ बैठते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंटेंट इंडस्ट्री या यू नो डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से बैठे हुए और चूंकि वो डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से बैठे हुए तो क्लियरली शायद हमें नहीं पता बट ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ तो है इसमें और फिर वहीं पर जहाँ पर वो सिक्सटी ईयर ओल्ड लेट्स से गर्ल और बॉय वो कह रहे हैं कि अब्बा जी मैंने टिकटॉक स्टार बनना है मैंने यूट्यूब स्टार बनना है वो कह रहे हैं यार टाइम ना जाया करो पढ़ाई करो वो जब नाइन ओ क्लॉक न्यूज़ में देखते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान हैज़ मेट यूट्यूबर्स वो कहते हैं यार मेरी मेरा तो बेटा भी कह रहा था कि वो यूट्यूबर बनना चाहता है मे बी आई शुड इंकरेज हिम टू explore mm. that area and and you know. it really happened like i think it happened with a lot of um, people in my age Ke pehle they were like a chacha this, and people won't get it but the yeah. minute they saw imran khan on our podcast they were like a chacha so you know the, it, it, it is something like nahi that might be another thing but what she's doing is fine yeah, yeah. because serious yeah. people are taking yeah. her seriously yeah. or, or, or taking you know these people seriously so दैट वॉज अ वेरी पवर्टल मोमेंट उसके फौरन बाद कोविड आया कोविड के बाद प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बोला कि जी क्रिएटर्स आके हमसे मिलें वो क्रिएटर्स आके हमें सपोर्ट करें इन्फ्लुस आके हमें सपोर्ट करें डी जी एंड डी ए मुझे याद है उस टाइम पर ही सेट द सेम थिंग एज वेल एंड उससे पहले तक कोई यूट्यूबर की नाम नहीं होता था मीडिया हो जाता था मीडिया ये कर ले मीडिया वो कर ले और ये बस ये बच्चे कंसिडर होते थे mm. और उस मोमेंट के बाद यू नो गवर्नर टिक से मिल रहे हैं तो ये इनसे मिल रहे हैं तो वो उनसे मिल रहे हैं तो ये सारा का सारा एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है तो उसके बाद ये सारी की सारी yeah. चीज़ें चेंज हुई हैं अगर वो उस टाइम पे वो मीटिंग ना होती तो शायद बहुत चीज़ें आज फर्क होती एंड सो यू नो वो विद ऑल ऑफ द शोर एंड क्रिटिसिज्म जो उस चीज़ को मिला uh, हम मेरा पर्सनली जो इंटरेस्ट था जो जो पर्पज था वो फ़र्क था एंड नो अचीव दैट Um March mein then COVID happened and I was helping uh, Tanya uh volunteer I was volunteering with her mm -hmm. uh, for Digital, digital Pakistan, digital Pakistan Kendhar, and, and she called us this one time our team te. Ministry of Health a mm -hmm. COVID ka a bad scene ho raha. nobody was taking it seriously at the time and we uh, and she was like you know the media is not talking about it and so she started building this war room and she talked called like, UNDP and a lot of these different uh who war room and let's start आइडेंटिफाइंग पाकिस्तान में कोविड का क्या सीन है और डेटा साइंटिस्ट बुलाएं एंड मैं आपको बताऊँ इसक एंड ऑल ऑफ इट वीन फ्री नो समस्ट टैलेंट इन पाकिस्तान इन एवरी इंडस्ट्री वॉज कमिंग इन दस लाइक ग्लोबल क्राइसिस है एंड वी हैव टू लाइक आई सॉ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन कोविड टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी आई ऑफ इट आगे भी लेकिन ये उस टाइम के ऊपर आई सो के अगर लोगों को अगर अगर अच्छे तरीके से चैनल किया जाए ना तो क्या क्या नहीं हम कर सकते इस मुल्क के अंदर ऑनेस्टली क्या क्या नहीं हम कर सकते या। एंड यू नो समस्ट टैलेंट के मैन दे वो वर्किंग वो हर किसी की चीज़ें हो रही थी उसमें रोबो कॉल्स का भी हुआ जो आप ये नहीं कॉल्स का सुनते वो भी हमारे सामने हुआ था कि यार किसी तरीके से हमें इनोवेटिव तरीके से लोगों तक मैसेजिंग रीच आउट करें तो उन्होंने कहा जी डायल टोन को चेंज करा दो खातून से बुलवा करके वो हर हाँ, फोन कॉल के ऊपर आ गया कि जी कोविड का अब बूस्टर शॉट के आते हैं वो सारी चीज़ें हैं तो वो सारा का सारा हमारे सामने हुआ था किस तरीके से एवेंचुअली वो फिर एन बन गया और वो उस तरफ मूफ मुफ कर गया बट यू नोज Uh, तो खैर उस पर उन्होंने मुझे बोला कि यू नो वी नी टू गैट द मैसेज इंग आउट एंड मैं कहा जी मीडिया में तो मेरा कोई नहीं बट डिजिटल पर मैं आपको कर सकता हूँ उन्होंने कहा जी जो कर सकते हो वो करो सो वी क्रिएटेडेडेडेड एन इन्फ्लुएंसर नेटवर्क सलमान पारेख फ्राम कराची मांसल्स ही हेल्प मी आउट विद डैट लॉट ही वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्नड अबाउट कोवेट तो वो कराची से बैठ के यू नो ही वज जो है वो हमने सारे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा किया 40 से 50 मिलियन के बी वु फ्राम द गवर्मेंट पुश क्योंकि अब आप सोचे ना ये टाइम क्या है अनप्रेसिडेंटेड टाइम है कोई नहीं पता लॉकडाउन हो रहे हैं ये हो रहे हर वक्त मिस इफॉर्मेशन मिल रही है एंड पीपल आर नॉट यूलर कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चन अबाउट पेपर्स का क्या होगा स्कूलिंग सिस्टम का क्या होगा मार्केट्स का क्या होगा बिजनेस का क्या होगा हर एस्पेक्ट के ऊपर कन्फ्यूजन थी और उसकी वो लोग जो थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे इन्फ्लुएंस से दे वुड बी सेटिंग एंड वाचिंग टेलीविजन तो वो आते थे आके इन्फ्लुंसर्स पे शो डालते थे इन्फ्लुंसर आकर हमारे से शो डालते थे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मैं जाकर वो इन्फॉर्मेशन उनसे बैठ करवाता था वो डायरेक्टली जाकर मिनिस्ट्रीज या डी या जिस लेवल से भी करना था वे एंड विद इन टेन टू फिफ्टी मिनट्स हमने टर्न अराउंड करके इन्फ्लुएंसर को रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे दी होती थी वेरीफाई करके और वो चाहे वो कहीं पूरे पाकिस्तान में कहीं mm -hmm. की हो फिर वो जाके उसको पब्लिसाइज करके अपनी ऑडियंस को कर देती थी एंड थ्रू और मैं आपको ये, ये भी बताऊँ कि ये सारा हो रहा था विद जीरो रुपी कॉस्ट ओके यू नो नो बडी नो इन्फ्लुएंसर टोकर सिंगल टाइम डेरेंट से यार ठीक है आप हमें करवाना चाहते हैं यार कोविड का टाइम है आप हमारे पास फॉलोअर्स हैं जैसे टी वी है टी वी एडवर्टाइजिंग के पैसे लेता है राइट

The reason I wanted to discuss your 2015 to so 2019 while well, apart is because people really don't know what happened when you were off so, off social media, right. And a lot of things that you did um time you did a lot like you mentioned that you were you know you started a startup, then it failed, then you went into being a data scientist at data, then you had uh, headed a digital marketing for four to four, five months at DPL.

प्रॉक्सी में जो है वो फिर आई स्टार्ट डी रिसर्चिंग सो थ्रू आउट दैट आई वॉज एक्टिवली रीसर्चिंग ऑन द डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री जो मैंने कुछ स्टार्ट में बोला था कि मुझे तो लगता था कि यार पाकिस्तानी कभी नहीं करेंगे तो वहाँ पे मैंने दुनिया को देखना शुरू किया कि यार इंडिया में क्यों पढ़ी लिखी बात सुनी जा रही है अमरीका में क्यों सुनी जा रही है क्या हो रहा है

वो चीज़ मैंने पूरी स्टडी की uh, और, और मैं जब स्टडी की बात कर रहा हूँ तो देन आई वेंट थ्रू लाइक के स्टडीज़ एंड यू नो एम आई टी की स्टडीज़ हारवर्ड की स्टडीज़ बुक्स एनी थिंग देट आई कुड फाइंड एनी मटीरियल दैट आई कुड फाइंड बहुत सारे इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो जो काम कर रही हैं मीडिया के ऊपर तो वो अपनी रिपोर्ट्स निकालती हैं आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट टन्स ऑफ डेटा एज वेल जस्ट टू सी के यार अच्छा इंडिया में पिछले पाँच सालों में क्या हुआ है फॉर एग्जांपल तु तुर्की में क्या हुआ है यूके में क्या हुआ है यूएस में क्या हुआ है आ, उनके पढ़े लिखे चैनल्स मतलब उनके

एंड या सो सो मैंने पूरे मैंने फिर सा, उस साइट से ना मैंने एक्चुअली uh, स्टडी uh, किया एको mm सिस्टम -hmm. को और मैक्रो पर जा कर देखा कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है हर बंदा अपने तो फंसा रहता है कि यार मेरे मिलियन सब्सक्राइबर मेरा ये मेरा वो बट रियली वट्स वैन यू कम्बाइन ऑल ऑफ इट वट आर यू यू नो एंड वट आर यू डूइंग और उस पर जाके मुझे समझ आई मुझे हर किसी की इंडिविजुअल वैल्यू समझ आई मुझे समझ आया कि यार अच्छा जिसने हर इंसान का एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है एक यू नो वैल्यूडिशन क्वेश्चन है एक और कोई इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है और उसकी हर किसी की अपनी डिमांड है आप ये नहीं कह सकते कि यार आपके प्रैंक्स ख़त्म हो जाएंगे और आपका सिर्फ और सिर्फ जी पढ़ी लिखी बातें रह जाएंगी या पढ़ा लिखा खत्म रहेगा और सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगी फिर उसके बाद सेगमेंट्स भी अलग अलग हैं सोशियो इकोनॉमिक क्लासेज अलग अलग हैं कंज्यूमर की इंटरनेट की एज अलग अलग है आप सबसे ज्यादा इस चीज का अंदाजा लगाएं कि सबसे आसान तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार कंज्यूमर जो है वो क्या देख रहा होगा बेस्ड ऑन हिज एज ऑन दी इंटरनेट मतलब अभी वो साइकिल के कौन से पॉइंट पे है साइकिल के कौन से पॉइंट पे और उसने साइकिल के अगले पॉइंट पे आने ही आ रहे आइडेंटिफाई दीज फंडामेंटल्स उसके बाद थिंग्स बिकम इंक्रीजिंगली इजी फॉर यू टू डू सस्टेनेबल कॉन्टेंट अगेन दिस कम्स माई फादर यू नो ये तो पता नहीं कभी आज ऊपर आज नीचे सो आई वॉज ऑफ दिस ओपिनियन के यार एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए एक ऐसी नॉलेज बेस होनी चाहिए जिसके तहत अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना तो मुझे पता है कि मैं अगले चार साल तक ये कर सकता हूँ mm. मुझे ये नहीं टेंशन होनी चाहिए कि यार इस महिन, ये महीना बड़ा अच्छा गुजरा है अगले महीने तक का तो कुछ लॉक नहीं हुआ पता नहीं क्या होगा यू यू नो। नो कि जिसके अंदर आपके पास सस्टेनेबिलिटी हो। hmm. uh, you know, ये ना हो एक महीने मैंने दस करोड़ कमा लिया और अगले चार साल में बस जीरो पे, पे नहीं बैठा नहीं। रहा तो एनी वेट एट देन जब मैंने डी पी एल छोड़ा तो ये स, इस सारी स्टडी की बेसिस के ऊपर के ऊपर आए चार साल का दूटर साइंस एक्सपीरियंस एंड उसके ऊपर जो चार साल आपने मीडिया गुजारे दैट वॉज अ लर्निंग इंस्टीट्यूट इन इट सेल्फ लाइक यू ट्राइड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंडिड सो मेनी मटीरियल एंड उसके ट्रायल एंड एर पे यू लर्न सो मच एंड यू कंबाइंड बोथ ऑफ दिंग्स resulted in so much of so many things जो कि आपने अब 2019 के बाद की इन दिनों लाइक अनबॉक्सिंग पाकिस्तान काम की बात एंड देन टीवीटी और व्हाट यू डू राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड इट इट आल्सो इंक्लूड्स लाइक व्हेन आई वाज़ डूइंग द स्टार्टअप सो आई वाज़ जब स्टार्टअप करने के लिए मैंने साल लिया उस साल के अंदर मैंने सिर्फ एक आइडिया तो नहीं किया yeah. uh, किया तो इंप्लीमेंट एक आइडिया बट मैंने सौ आइडियाज करके सौ की फीसबिलिटी बनाई मुझे पचास इंडस्ट्रीज का आइडिया हो गया उसके उसके बदौलत uh, जब मैं उसके बाद जाकर यूनाइटेड ई कॉमर्स थिंग इंस्पायर मी आई वो वर्किंग वेरी क्लोजली विद हम एट द टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी तो मुझे उस वक्त बिजनेस को रन करने का आइडिया हुआ ई कॉमर्स का मुझे पूरा आइडिया हुआ उसके पीछे क्या होता है क्या सप्लाई चेन है किस तरह से वो सारा सारा का होता है सो अलॉट ऑफ दिस गेप एंड एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यह हुई थी कि ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टी में इस्लाबाद में बिकॉज आई वज इन इस्लाबाद फर्स्ट ऑफ आल इट्स अ वेरी डिफरेंट सिटी दैन कम्पेयर टू लाहौर एंड कराची अपनी एक uh, इंडस्ट्री होती है अपनी एक फील होती है मुझे बहुत ज्यादा जो है ना फिर एक्सेस मिल गया टू यू नो यू एंड डी पी वुड कॉल मी फॉर अ पैनल डिस्कशन एट लाहौर लिट्री फेस्टिवल फॉर एग्जाम्पल यू एस एमबेसी वुड कॉल मी फॉर अ टॉक और यू नो जीरो इन कॉन्फ्रेंसिस पे जाने की वजह से आपके नेटवर्क जिन लोगों के साथ हुआ आपने जो कॉन्वर्जेसन सुनी आपको वैल्यू का ट्रूली समझ आ गया और आपको अपने इम्पैक्ट का ट्रूली समझ आ गया आपको ये नहीं हुआ कि यार मैं तो एक क्रिएटर हूँ मैं तो ब्लॉगिंग करता हूँ यू नो मैं चार गालियाँ दूंगा और मुझे व्यूअर्स आके बच्चे छोटे बच्चे आके मुझे देखेंगे आपको समझ आ गया कि यार एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है मुझे वो कॉन्फिडेंस बहुत पहले मिल गया कर सकता है ये बोल सकता है इसको नॉलेज है वरना को हमेशा करता है कि यार हम यूट्यूबर्स का काम तो ये नहीं है ना ये तो सीरियस लोगों का काम है yeah. you know? हाँ. uh, तो वो चीज़ वहां पर शिफ्ट एक, एक आया बट हाँ ट्वेंटी was an incredible learning experience i not technically come to you job compared to what i do now and i'm very grateful for having gotten that opportunity to work there but uh, it was not for me yeah but

A bit of time to look at other things. If you are looking at other things and utilizing the time, that is so true, up experience karoto ap. Uh -huh. किस तरीके से हुआ yeah. whether you 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 like it 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 yeah. it or dislike the experience is invaluable uh -huh. always and it, it totally depends on you, फिर आप उसको किस तरीके से लेके जा रहे हो like आप उस learning को किस तरीके से हो गया जो uh -huh. the, um, the reason मैं, मैं ये सारी कॉन्वर्सेशन कर like, बूम आया लाइक uh यू -huh. like, you could, you could in that. Like, अभी मेरे पास इतने आई बॉल्स आगे मैं बनाता रहता हूँ जो मैं बनाता हूँ मैं आगे जा सकता हूँ ठीक है एंड देन यू बी लाइक अच्छा मैंने स्टार्टअप कर लिया तो मैं स्टार्टअप करता रहता हूँ या फिर अगर चलो ठीक है नहीं काम करा मैं एक स्टेबल जॉब में आ गया हूँ ना बस मैं चुप करके करता रहता हूँ क्या फायदा दो साल कुण? मैंने और करना था मैंने, करना था, मैंने में कोई था। like, चलो मैं ये मैनेज कर रहा हूँ तब तो मुझे पता चल गया डूइंग लाइक कॉन्सल्टे कॉल्स फॉर सो मैनी इन्फ्लुसर्स आपने एक पूरी इंडस्ट्री को बनाने में लाइक

जिन्होंने वो प्राइसिंग इस्टेब्लिश yeah. की थी उनके पीछे एक पूरा मैंने एलग्रोजम डिज़ाइन किया था जो कि उस टाइम पे हम यूज़ करके मैं मुझे लिटरली कॉल आती थी मेरी ये फॉलोवर्स फॉलोवर्ज़ा यही हैं मैं कितना चार्ज करूँ yeah. और मैं उस एलग्रिजम में फॉलोवर्स डालता था वो डालता था उनकी इंगेजमेंट डालता था और वो डाल करके मैं उनकी लास्ट टाइम पोस्ट निकालता था उनकी एवरेज इंगेजमेंट निकालता था और मैं निकाल करके मैं उनको एक प्राइसिंग दे देता था एंड दे यूजिंग दैट प्राइसिंग एंड फॉर अलॉड पीपल देर बिल्कुल अपने उसका नाम भी नहीं सुना हुआ ये क्या आके क्लेम कर रहे हैं बट इट्स रियली जब आप अर्ली डेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना तो उसमें इम्पैक्ट सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि इवेंचुअली ब्रांड्स एजेंसीज इन सब के पास जो प्राइसिंग नॉर्मलाइज होना शुरू हुई वो लॉट ऑफ दैट वाज मैं आपको इस बताऊं 16 में एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पाँच हज़ार रुपये की बिकती थी।, थी बड़े क्रिएटर की okay. बड़ा क्रिएटर थे बड़े थोड़े उस टाइम पे दो uh, में एक बड़े क्रिएटर की पोस्ट बिकती थी कुछ तकरीबन एनी बिटवीन डेढ़ लाख से साढ़े लाख आज किसी बड़े क्रिएटर की सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा आज बड़े क्रिएटर की एनी बिटवीन चार लाख टू पंद्रह लाख रुपए की पोस्ट बिकती है ठीक है uh, ये मैं बता रहा हूँ हाफ ए मिलियन प्लस वाली अब आप पाँच हज़ार से पाँच लाख तक कैसे जाते हो एंड वैन नो पील नोट ऑफ पीपल आर डूइंग थिंग्स फॉर पी आर पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे इवन नो देर इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आर से हम डेढ़ लाख रुपया चार्ज करेंगे इवन दो दे नॉट जनरेटिंग द राइट वैल्यू

Uh, behind the scenes yeah uh, in terms of pricing in terms of again industry related business related things yeah and you keep on saying value um, and I think if anyone has heard your life story like they have the good fortune of meeting you or working with you they will see this pattern of generating higher value making a brand yeah. bigger than yourself it's not just like the world does not revolve, revolve around, around you you, absolutely. you have to play a, you are a very small part in a bigger change yeah तो एंड यू हैव बिन डूंग दैट ऑल योर लाइफ लाइक करियर वाइज वी वैन यू क्रिएटेड लाइक दिक्ज लोग तो अभी आपको अभी जानने लगे हैं एंड यू नो अलॉर ऑफ पीपल आई बॉल्स आ गए हैं कि वो मुजमिल हसन है ये दर पॉड कास्ट हो वही हो रहा है बट वही बात है द रीज़न दैट यू बिल्ड दिस ब्रांड वॉज बिकॉज देर इज अ था प्रोसेस इन्वॉल्व राइट कि यू नो देर इज एन अर्ली लाइफ देर इज आप किन लोगों में बैठते हो किस वक्त बैठते हो किस उम्र के हिस्से में बैठते हो आप क्या लर्निंग्स ले रहे हो कुछ लोग बैठ के भी लर्निंग्स नहीं ले पाएंगे एंड दैट इज यू नो हमारे सामने वो आ जाता है कुछ लोग चीज़ों को पिक करते हैं लोगों से लाइक यू हैव यू नो आई लॉट ऑफ़ थिंग्स द मैं यारायर वैल्यू क्या है इसको, mm. इसको आगे कैसे um, बिकॉज नॉट डॉर द सेव्यू अटैच टू इट लाइक माइंडलेसली कोई भी चीज करना है yeah. ना वो भी इरेलीवेंट है और yeah. सिर्फ पैसों के लिए मुझे लगता है कि पैसों के लिए भी करना इरेलीवेंट है क्योंकि अगेन देखिए अगर आपने मैं प्योरली मैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार अल्लाह तवक्ल करें और इस तरह से करें आप कैपिटलिस्ट होकर भी करें यू मेक मोर मनी यू डोंट नीड टू रन आफ्टर मनी यू नीड टू रन आफ्टू वैल्यू को मोनिटाइज करना बहुत आसान है ये चीज़ मैं आजमा चुका हूँ आपने जिस दिन वैल्यू क्रिएट कर ली उसके बाद आपको उसको मोनिटाइज करना yeah. है तो दस लोग बैठे होंगे कि यार वैल्यू हमें चाहिए इसको तुम करेंसी में ले लो mm. हमसे करेंसी ले लो और हमें वैल्यू दे दो बट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट द वैल्यू दे डोंट इवन थिंक अबाउट कि हम जो नौकरी कर रहे हैं वो इम्पैक्ट क्या लेकर आ रही है एंड आई एम ऑल अबाउट इम्पैक्ट द रीज़न वाई आई नेवर आई मीन आई वॉज वर्किंग विद तानिया फॉर फ्री बिकॉज आई वॉज दैट फॉर इम्पैक्ट एंड इट नॉट अगैन की बहुत ही कोई सेल्फलेस चीज़ है इट इज अ प्योरली सेल्फिस थिंग बिकॉज वैन यूर ड्रिवन बाई इम्पैक्ट एंड वैन यू डोंट वरी अबाउट द मनी एंड यूर लाइक ठीक है मैं यहां से मैं इंपैक्ट ला सकता हूं तो जहां पर आप इंपैक्ट ला रहे होते हैं ना वहाँ से आप खुद भी ग्रो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और mm -hmm. लर्न कर रहे होते हैं और वहाँ पर आपने आप अंदर वैल्यू एड कर रहे होते हैं जिसको मैंने मोनिटाइज किया आई डोट मोनिटाइज थिंग्स ऑन द गोट ऑफ टाइम ये लोगों का ये होता है कि यार एक बेंचमार्क बना लिया कि इतना पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे लाइफ yeah. मेरे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे लिए हुआ है कि कुछ चीजें जो पैसों के लिए है। ठीक है उससे मैं पैसा कमाऊंगा मैंने वो मैं वो मैं वैल्यू दूंगा उनको mm. और उसके बस पैसा कमाऊंगा लेकिन द मिनट समवन कम्स इन एंड जेनुअन शोज मी दिस इज डूइंग दिस इज द द वैल्यू आई विल फोर गेट अबाउट बिकॉज दैट will add to my money later on i'm like a purely capitalist mindset say, mm. so so yeah i mean that's just and something I that i like the same happened with tbt like yeah. people come and say you know why why it's such a brand like why tbt has this following like listeners okay listeners know.

बाकी मुश्किल हमारे पास जो बल्कि वाइट वेरी आई थिंक हमने क्योंकि वो एपिसोड नहीं किया टू एंड हैड थाउजेंड सेलिब्रेटरी एपिसोड अस वेल जो हम हर उस पे करते थे सो कंग्रेडलेशन कंग्रेडलेशन एवरीवन एवरीवन फॉर दैट माइलस्टोन नंबर अस वेल बट एंड देन व्यूअर्स भी व्यूअर्स भी यू नो कुछ

टी बी टी को कभी भी नंबर्स के लिए शुरू ही नहीं किया था hmm. मैंने शुरू किया था इम्पैक्ट के लिए और अलमदिल्ला एवरी पासिंग मंथ एवरी पासिंग एपिसोड आई हैव सीन द इम्पैक्ट ग्रो वी हैड सम वेरी एक्साइटिंग फीडबैक फ्राम पीपल जिसपे लोगों ने हमें आके ये भी बोला है कि यू नो इंडस्ट्री में ये चीज़ मशहूर है कि जी वो जब टी बी टी पे आए हैं तो वो सक्सेसफुल yeah. एक मार्क ऑफ सक्सेस है बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ पीपल हु बेन ऑन टी बी टी यू नो पीपल हैवे सेट के ऑडियंस वी हैड ज अ वेरी पॉर्फुलडियस आई रिमेबर से बात कर रहा हूँ डी एस पी साहब से बात करेंगे किसका मर्डर किया ना मुझे क्या हो रहा है Some of the most sensitive and and powerful uh, spaces in this country have been watching this content and have been appreciating this content. Uh, there have been, you know, uh, startups you know, apne co-founders There have been companies yeah. and startups you know, apni solutions doone hain. Idhar founders ke saath yeah. uh, uh, ko Mere liye wo sabse value hai. Really learning through each other's, uh, Echa, each other's mistakes experiences. Success. Uh -huh. yeah. कि लोगों ने अपने करियर स्विच कर दिए कि यार हमने ये ये सीखा हमें उस बंदे का पता yeah. लगा हमारा वो चेंज आया तो हमने जो है ना हमने कहा कि अब बड़ा लाइफ लॉन्ग पैशन था हमने उसको परसू डूइंग ग्रेट नाउ दिस इज़ फॉर मी अगर वेन दैन एनी थिंगल्प चेंज पीपल्स लाइफ यू कैन हेल्प मेक पीपल लाफ एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग बट वैन यू हेल्प चेंज पीपल्स लाइफ एंड यू क्रिएट दैट इम्पैक्ट उसकी दो चीज़ें पहला तो जो आपका इन्फ्लुंस तब होता है वो अनप्रेसिडेंटेड होता है

वैल्यू के लिए सोसाइटी के लिए समाज के लिए माशरे के लिए वैल्यू जनरेट करते हो ना तो अल्लाह ताला का एक ख़ूबसूरत निज़ाम है अजीब बोलने लगा mm -hmm. था खूबसूरत निज़ाम है कि mm -hmm. अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे रिवॉर्ड करते हैं आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए उसके बाद कि आगे yeah. क्या मिलेगा कैसे मिलेगा क्या होगा yeah. वो अल्लाह ताली का काम है कि उन्होंने आपके लिए किस तरह का रास्ते आसान करने हैं बट ऑल आई हैड टू फोकस ऑन वर्ज के यार कैन आई हेल्प इंडिविजुअल्स थ्रू अ कन्फ्यूजिंग टाइम एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड मेक सेंस ऑफ दिस कंट्री मेक सेंस ऑफ देर प्रोफेशन मेक ऑफ देर लाइफ्स राइट एंड आई नॉट आई जॉब बट देर फीडबैक आस्क आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यू नो बिटवी क्रिएटर्स मिलियन बिटवीन वो तो मेरा उसका जवाब ये होता है कि देखिए मैं जिस जिस ऑडियंस को टारगेट करूँ ना मेरे सुनने वाला फ़र्क है मेरे सुनने वाला बहुत थोड़ा है इस मुल्क में और और आएगा और ये भी मेरा डेटा मुझे स्टार्ट करने से पहले बता चुका था कि और आएगा और एक्सपोनेंशियली आएगा एक दिन लेकिन आज वो अर्ली डॉक्टर है वो बहुत थोड़ा है वो पढ़ा लिखा है वो सेल्फ अवेयर है वो किसी गांव में भी बैठा है ना तो गांव में भी हजार में से कोई एक बंदा था जो कि सेल्फ अवेयर था कि यार मुझे लगता है कि जो जिंदगी मुझे मिली हुई है इससे ज्यादा कुछ है वो ख्वाब देखना जानता है वो ये जानता है कि यार आई कैन डू बेटर एंड आई शुड डू बैटर

You know, hmm. जो, जो, जो yeah. लकीर का फकीर है वो तो लीडर नहीं है उसने तो काम करना है जो उसने काम करना है वो लकीर का फकीर देख रहे हैं टिकटॉक एंड नथिंग अगेंस्ट दैट क्योंकि हर सोसाइटी में हर किस्म के लोग yeah, होते हैं बट यू सेगमेंट टू अंडरस्टैंड एंड यू गेट कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट के मैं जिसको टारगेट कर रहा हूं पहली बात तो वो मुझे देख रहा है दूसरी बात यह कि मतलब मैं तो तेरे तो तो मुझे तो नहीं लगा था कितना बंदा पाकिस्तान में एग्जिस्ट करेगा जो कि इन, इन, इन चीज़ों में जो ये चीजें सुनेगा जो ये चीजें करेगा इसे वैल्यू जनरेट करेगा देखिए सुनना एक बात है वैल्यू जनरेट करना इज एंटायरली डिफरेंट ऑल टुगेदर राइट और दूसरा यह कि आई थिंक इट रियली ड मैटर हम जब सेगमेंट करते हैं ना तो तेरह साल के बच्चे अगर एक मिलियन तेरह साल के बच्चे अगर कोई चीज देख रहे हैं लाइक आई सेड मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स बिजनेस इंडस्ट्रीज सेंस में सोचता हूँ तेरह साल का बच्चा जो है उसके पास कितना पैसा होता है स्पेंड करने के लिए ऑन एवरेज पाँच सौ रुपए हजार रुपया उसको मिल जाता है पॉकेट मनी पॉकेट मनी मिलती है किसी बच्चे घर का होगा तो पाँच हजार रुपया मिल जाएगा उसको मेरी एवरेज आप निकाल के देख लें नंबर ट्वेंटी फोर से लेके थर्ट थर्टी फाइव तक है और उसके बड़े भी देख रहे हैं बट ये प्राइमरी है ये कौन है अर्ली प्रोफेशनल है ठीक है मैंने मिनमम तनख्वाह भी ले रहा होगा तीस चालीस हज़ार रुपये की ले रहा होगा चालीस हज़ार रुपये उसने महाना है लगाने है, लगाने कहीं पर ऐसे ऐसे ग्रो करेगा और डेढ़ लाख दो लाख चार लाख पाँच लाख पे भी जाएगा और उसके बाद फिर वो 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 हैवी एस सी सी में भी फ़र्क है जी यू नो एस सी सी ए भी है पढ़ा लिखा है तो वो पढ़ा लिखा है तो वो अच्छी नौकरी कर रहा है अच्छी नौकरी कर रहा है तो उसके ज़्यादा पैसा है उसके बाद ज़्यादा पैसा है तो वो महीने के ज़्यादा पैसे लगा रहा है अब अगर वो आता है और आके महीने का मैं नहीं कहता मेरे मेरी बारह एपिसोड देखे वो मेरे महीने की एक एपिसोड भी देख रहा है ना तो एक घंटा मेरे पास है जिसमें कोई एडवर्टाइज़र आकर कल को अपनी प्रोडक्ट बिकवा सकता है राइट अब वही एडवर्टाइज़र जाता है और जाके वो जो तेरह पंद्रह मिनट का ब्लॉग है जिसके अंदर वन मिलियन थर्टीन ईयर रोल्स हैं उसके अंदर वो एडवर्टाइज़र आके लैपटॉप बिकवा सकता है या गाड़ी बिकवा सकता है शायद नहीं बिकवा सकता या एडवर्टाइज़र जब मेरे पास आता है तो वो हम सोशल मीडिया पे ब्लॉग की या उसकी बात करते है ना तो आई थिंक uh, वो मार्केटिंग हाँ, हाँ, हाँ. पहला पहली स्टेज इज अवेयर सो दट दैट ब्लॉग और पीस माइड अवेयर ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट नो ये है मार्केट में ये गाड़ी का ये ब्रांड है मार्केट के अंदर हाँ. ठीक है एंड द मैक्सिम दे कैन डू इज दे केन क्रिएटर पर डिपेंड करता है एंड सोशो इकोनॉमिक क्लास पर डिपेंड करता है जो उसको देख रही है दे माइड भी एबल टू यू नो कि आप कंसिडर करने लग जाओ यू हाँ, नो you know, मुझे हाँ. भी तो गाड़ी खरीदनी थी तो वाई नॉट ट्राई दिस बट आई थिंक जिस तरीके से आप मैंशन कर रहे थे ना कि नाव अगर वो बारह में से सिर्फ एक एपिसोड देख रहे ना हाँ. नाव अगर उस एडवर्टाइजर के पास वो एक एपिसोड है देखने की बट उस एक एपिसोड में कन्वर्जन के चांसेस हैं हाँ, बिल्कुल कन्वर्जन है। तक वो लीड करेगा बिकॉज नाउ इट्स बिल्ड

Now because by the 40th minute you know the person sitting in front of you you will buy anything that person says. Yeah exactly there is a much higher chance yeah. that now you because you have seen the journey na? Yeah. वो बंदा पहले भी सच बोल रहा था वो आज भी सच बोल रहे हैं पहले आपको था कि यार नहीं ये तो क्योंकि आप brand है बस है बस है ऐसा बहुत है ना चुना लगाने हैं The thing है, is the word yeah. that we use with TV, TV always use is humanize right? Yes and we have never tried to humanize anyone in this country. We have never even thought about humanizing anyone in this country. आप जाकर हर चीज़ को बस जाना बस कमोडिटी कमोडिटाइज कर, करके yes. उनके सर पर डाली जा रहे हो फेंक जा रहे हो yes. लो 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 यार आप जो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो एवरी एवरी प्रोडक्ट आउट देर इज डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ आर वी सेलिंग इट टू जिसकी वो प्रॉब्लम है ही नहीं वैन देर आर सो मेनी पीपल जिसकी वो प्रॉब्लम है so और आप true. उस तक पहुंचा ही नहीं पा रहे जब आप अपनी ह्यूमन स्टोरी बताते हो ना जब आप अपने कनेक्ट लेकर आते हो तो आप हमेशा उन सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो लोग आपकी प्रॉब्लम से रेजोनेट करते हैं एंड देन वैन यू गिव दैम द सोल्यूशन दे विल गो एंडशन सो वहाँ पर जो हमारा अर्ली लाइफ आला है वो कम्पोनेंट तो डेफिटली आई थिंक मैं अब इस तरह से ये पहुँच रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट शायद हम तीन चार पाँच छः साल बाद जब हमें बहुत ही मेन स्ट्रीम हो चुके हों तो हमें yeah. पता हो कि यार अब हमें अर्ली लाइफ पर इतना नहीं करना हम इतना, हम इतना हमारी ऑडियंस जो है, वो इतनी टेक्निकली मेच्योर uh, है कि हम डायरेक्ट ऑन द गेट को बैठेंगे डिस्कस करना शुरू कर देंगे इंडस्ट्री yeah. में ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ वगैरह yeah. वगैरह exactly but abhi jab logon ko ab basic abhi to hum start kar rahe hain introduce kara rahe hain na you introducing the key players in the industry in the industry yeah. and why they 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 are the yeah. way that they are so i think early life is very important but coming back to what i was essentially saying was ke मैं जो बात कर रहा हूँ ना क्योंकि वो शायद वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ना हो जाए मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए डिफरेंट सेगमेंटेशन होती है और मैं हमेशा इसकी मिसाल देता हूँ क्रिकेट मैच के दौरान हमेशा चाय बिस्कुट बिकता है क्योंकि मैसेज देख रही होती है सिमिलरली so जो एक ब्लॉगर है जिसको तेरह साल के बच्चे देख रहे हैं उसको कोई तेरह साल के बच्चों की टारगेट प्रोडक्ट बेची जा सकती है mm. इसी तरीके से प्रैंक्स वाले को कोई और प्रोडक्ट बेची जा सकती है इसी तरीके से जो जो जितना चैनल बड़ा होता है उतना ज्यादा वो जनरली पेरामिड के नीचे वाला सेगमेंट uh, उठा रहा होता है एंड देर इज नथिंग रॉन्ग विद उस उस सेगमेंट के लिए भी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती है फॉर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ आइदर मोनिटाइजेशन और इंफ्लुंस अगर मैं मोनिटाइजेशन की बात करूँ तो मेरे पास हालांकि ऑडियंस ओवरऑल कम है लेकिन ऑडियंस जो है वो ज़्यादा uh, वाली है एंड ए मंथली स्पेंड इज और पोटेंशियल स्पेंड इज हायर सो वो ऑफसेट हो जाता है अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लुएंस की तो इन्फ्लुएंस के ऊपर बिकॉज ऑफ द फैक्ट लाइक आई नो वैल्यू ड्रिवन सो द इन्फ्लुएंस इज ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज अलॉट ऑफ दिस पीपल अल ऑफ द व्यूअर्स आर

वो एक सी आपकी बात सुनकर स्ट्रक्चरल चेंज ले आएगा यू नो एंड दैट विल इम्पैक्ट नॉट जस्ट दैट वन सी ई दैट विल इम्पैक्ट द फोर वीक द फोर्टी फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई फोर Wo as well. Yeah. So influence is very relative, and it's very contextualized, and a lot of times we miss these things. We are yeah. like, i ja yes. yeah. yeah. mm -hmm. uh, aren't am basically yeah. and uh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, even though we don't have the the i am i the i am uh, uh shiny numbers. Yeah. i um, we do have a dedicated audience. We mm -hmm. have people who respect us. I think that the most important thing in life is respect. That's something that my mother used to say all the time, mm -hmm. uh, and I think I would rather, I would rather have respectful 200,000 audience than a disrespectful 10 million audience. I think it's all, 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 yeah, the respect thing and it's all about Having, you know, defining or knowing your audience लाइक like ठीक yeah. है मेरे पास 200 बंदा भी है ना huh. 200 बंदा कमरे में आए कितना ज्यादा होता है huh. और वो 200 बंदा अगर पावरफुल 200 बंदा है जो कि लाइक यू मैं एक सी ई यो है स्ट्रक्चरल चेंज इट्स इम्पेक्टिंग सो मैनी लाइफ सो वो वाली चीजें यू नो के नंबर्स नहीं है या फिर

एंड आपने जब टी बी टी स्टार्ट किया था तो फोकस बहुत डिफरेंट था इट वॉज अ कम्पलीटली पैशन प्रोजेक्ट यू जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द दैट यू न्यू हैपनिंग बट न्यूर है लोगों को नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि यार अच्छा हम लोग ये सब भी पाकिस्तान में हो रहा है लाइक यू मैं लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी में यू सॉ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान लाइक दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान सो यू वॉन्टेड टू ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर्वर्ड दो सो आपने वो किया एंड देन इवेंचुअली आपने टाइम एंड अगैन इतनी कॉन्वर्सेशंस डाली It's a dedicated task. Like yeah. month may 12 episodes done, and movie of two, two, two hours conversation. Guys, it's not easy. <laughs> <laughs> I don't know how you do it, but there have been days of you have five, records, and it's course. crazy. Yeah. it's crazy. But it's it happened because you were passionate about yeah. it. you were really looking forward to those conversations. Curious, yeah. ke chha, Maybe one guy startup side, one a policy side, one And then you are really connecting with them yeah. because your purpose was very different. We always had this in mind that, you know, it's a passion project. We are doing it to build or to have a catalog of 1500, 1500 leaders. leaders yeah. yeah, it was never about sales. It was yeah. never about how much money to earn or how many subscribers You get. Sir subscriber, have you ever discussed subscribers in your life as a team? No.

But then someday after you see उसी के clips वायरल हो रही है उसी clips वायरल हो exactly. हैं उसी की conversations <laughs> हो रही है and then वो बंदा आके मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो इतना वो होता है interesting समय को बंदा कहते हैं कि I had no idea you guys had this much information <laughs> 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 and I'm like damn <laughs> me, <I> didn't <laughs> we didn't have any idea know you know that we have been yeah. able to alhamdulillah build this brand yeah and I uh, think the the yeah. comments that I love the most are the ones jisme log aake kehte hain ki ke, inshallah one day I'll be sitting in that seat and I think for me it's not mai jab kehta hu na ki very powerful people and very oh, influential. Uh, we've gotten some very <laughs> incredibly influential people on uh, in the country sitting on this seat. But that's one thing. Everybody guys gets, gets that. मेरे लिए सबसे powerful चीज मेरी audience <laughs> है, जोके मुझे लगता है कि कल की सबसे influential लोग होंगे. वो कल के लीडर्स होंगे चाहे वो लीडरशिप विद इन कंपनीज़ हो चाहे वो लीडरशिप हो पॉलिटिकल चाहे वो लीडरशिप हो यू नो इकोनॉमिक्स के अंदर मीडिया के अंदर वो तन तमाम चीज़ों के अंदर और अगर वो इस ये सोच रख के बैठा हुआ है ना क्योंकि कॉमेंट आके कह रहा है कि मैं एक दिन आऊँगा और आगे उस सीटें बैठूँगा आप देखें वो क्या खाब देख रहा है वो किस प्रोजेक्टी में जा रहा है और वो किन लोगों को देख के कह रहा है कि यार मैं मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा इस शो को देख के मैं छोटा सा नंबर देता हूँ हम मिलियंस की बातें करते हैं मैं कहता हूँ सौ लोग ऐसे बन जाए कितना आप इम्पैक्ट पड़ेगा सौ लोग आके ए कंपनीज के CEO's बन जाएं सौ लोग नेशनल असम्बली में चले जाएं सौ लोग जो हैं वो वो उसमें चले जाएं सर इम्पैक्ट नहीं है ये लोग क्या 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 कर रहे पॉलिसीज बनाएंगे कितने मिलियंस को इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उनकी Exactly. So, so I think it's that's that's what drives yeah. me and I think that's what drives the team as well. Then why are you shutting it down? <laughs> why are you shutting it down? Let's just end this suspense. Ke why are you shutting down? So I'm clickbait uh, I'm not inherently shutting it down. Okay. We are, for the first time in the last two years, going on a break. Um, like you mentioned, twelve episodes in a month. In a yeah. month is not an easy task. डूंग ऑल ऑफ दैट वाइल्ड डूइंग योर मेन काम क्योंकि आपने पैसा तो कहीं और से आ रहा था अभी तो उससे पैसा ही नहीं आ रहा था वो डेट टू के टोल एंड आई है इट्स बीन राइट सो आई ऑलरेडीड के मैं कपल ऑफ मंथ आई जस्ट प्री रिकॉर्ड सम एपिसोड एंड स्टिल कीप ऑन रनिंग बट देन आई है Basically, I have a procedure, a surgery of sorts. Mm -hmm. Most likely, this episode will be going live after I've had that surgery. It's a major surgery done in general anesthesia. Um, I have a. How do I explain it? It's a, it's a vascular malformation in my mouth, it's very rare. Uh, there are very few people in the world who have it. It's it's the ironic thing is that my job is speaking. Yes, um, yeah. out of all the places, and out of all the places I have, then it's fairly large. If I don't get it treated, it will grow enough to suffocate me to death. So it's something that it needs to be treated, and it's uh, um, you know it's 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 they, they have to cut it open and they have to extract it, and um, there are uh, complications or, mm -hmm. or or what's the word for it potential risks um, that, could be, that could have life-changing effects, um, at the very least career-changing effects. Mm. and so, for, for inshallah, inshallah, all will go well and ho hope inshallah. all goes well, so we will be back. Um, but with the caveat that there is a chance that i might not be back for reasons beyond my control, unfortunately. Um, and so we're we're taking the time off uh, for me to have that surgery, for me to recover, um, and you know if if if, if things go uh, south, we'll we'll figure out k how what else can we potentially do to uh, mm. continue the mission that we we've always done. But uh, it's going on a, as of right now it's going on a two month break. This is going to be the last episode that's going to air. Um, and inshallah, if all goes well. So you will see inshallah, us inshallah, back in yeah. the first week of September, and we have a lot of very exciting plans that we discuss. Yeah. Um, you know things, uh, th the conversations that we're going to have, the uh, places that we're going to visit. So inshallah, we're going to we're going to come back, hoping for the best. And uh, yeah, inshallah, that's inshallah. the reason why we are going on a break as yeah. of right now and i don't know what to say <laughs> yeah it's obviously i don't want to get into the details of you know how it's um really tough on the mental health right now because it is like obviously like you mentioned that it's something that can be a career uh, changing thing as well and then um you as a person is someone who speaks it's part of your personality even tbt or not huh, uh, yeah. speaking has come very naturally to me yeah conversations it, it, it have ha come very has naturally. it has always me. been your thing yeah, yeah so it it must be tough and i don't know how you know you as a family you you know how are you dealing with it and you know it must be a very hard time and i pray that everything goes well inshallah inshallah and that you have a very smooth recovery period and then uh, we when when you are back we sit down and then we replan tbt and the things that we have for it so we inshallah go forward but you always uh, said that tbt is a brand bigger than you yeah. Yeah. So it, you always try to make it, you know, something not attached to one single person, but it's a. Uh, vision. It's a mindset. It's a vision, yeah, absolutely. It's a vision that's uh, beyond Sayyid Muzamal Hassan Zaidi. 100%. So obviously. Um, I mean, one thing I know yeah. for sure, whatever happens, TBT will always be there. Yeah. Uh, we will come up with alternatives um, and we will find the best people possible who can take the I hope we do not have to. And Allah Ta'ala and then you know uh -huh. your process uh, goes very smoothly but but, but yeah. Yeah. yeah, like I said we're going go on a break right now and figure out, yeah. figure out the, uh, the semantics as, yeah. and, as, and we'll uh, uh, keep you guys posted like you will know what's happening and what's not Uh but yeah but that's that's happening and uh, right uh, now for two months TBT is going on a break you guys it's temporarily it's not so, prominent so <laughs> please

डेटा लाइक इन अ वेटास्ट बिन दैट वे आपका हमेशा से लॉजिकल माइंड मोर लॉजिकल इमोशनल एंड देन वट एवर यू हैव डन लाइफ यू हैव बेस्ड ऑन डेटा प्रिडिक्शन लाइक आपके साथ बैठे तो यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट लाइक यू नो अटेन Startup will perform that way. We had that conversation, yeah. and that we saw that. Ke, you know, why would it happen, or what? And then you had that uh, prediction about inflation, and that that happened as well, <laughs> right? So a lot. You had that prediction ke, you know, 18 months, my podcast will be a hit, and it it is a hit. Like we yeah. are seeing so many new podcasters now, and it's great for the industry, Yeah. right? So you always had that um, data mindset. That you know, I'll right. predict. Kar lunga and, ये तरह से नहीं है कि यू नो यू हैड अ डिग्री इन इट। आई थिंक योर माइंड सॉर्ट ऑफ वर्ग्स दैट वे बिकॉज योर एल्डर ब्रदर्स वड लाइक यू नो इस सॉट ऑफ यू ऑलवेज सो ये अच्छा चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है यू uh, नो you know, uh, उसको क्यूरियोसिटी uh, की बेसिस पे अच्छा ये नहीं है जैसे कि सर मैंशन करते हैं वैन यू हैव टाइम सो यूड भी लाइक ऑफिस में पेपर कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है सर उसको बैलेंस करते हैं लाइक ऑलवेज गोइंग स्प्रेड शीट गोइंग ऑन इन इन शॉर्ट राइट सो डेटा परसुइंग डाटा वॉज द इजिएस्ट कर राइट इट वॉज दोस्ट स्टेबल थिंग लाइक यू नो आप जाते लाइक यूर ब्रदर्स यू कुड है यू कुड हैुड हैव आई वुड से मोर स्टेबल आई कुड से लाइक यू नो इतना ज्यादा लाइक like, इधर तो आपका काम होता है और उस काम का नेचर इस तरीके से बहुत सारी अप्स एंड डाउन आती रहती है hmm. A lot of things happened lately in Pakistan that, me, that made everyone question leaving it, right? You know, that a safer environment. You know, like especially when you have a kid, you start thinking about you So I think it was very easier for you to move abroad, but yeah. you did not. Like, your, every single member of your family is settled in abroad. Yeah. And it would have been very easy for you to move abroad as well, but you did not and the question is like why? because you keep mentioning that, you know, um, there is this uh, undefined, like, you know, you cannot put that in word, like what pakistan is to you. like, you know, mm. you keep asking things and you you keep uh, thinking about the country, like uh, us sense mein ke hum kya kar sakte? there are more opportunities here, there are more opportunities here. apni 250 episodes, ke, aapne logo se poucha, how do they envision pakistan? Mm. and then you sort of always thought ki hope or positive image by hai.

Again, for, for two reasons, and this is something that I say as well. Okay, I always saw Pakistan as a bigger opportunity than anywhere else in the world, simply mm -hmm. because of the fact that there were so many problems, and problems that needed to be solved. And and if you are just one of the potential cog in that machine of problem solving, uh, there is a lot of value to be generated, both mm -hmm. in terms of uh, impact and then in terms of making money from that impact. Right? Uh, there is a reason why a lot of people spend a lot, a lot, a lot of venture capitalists. कम टू पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल कमिंग टू पाकिस्तान और पाकिस्तान तो बड़ी छोटी अभी नई मार्केट है और अभी आएंगे अभी एयर लेफ्ट की बात लोग कह रहे हो oh my god, पता नहीं क्या हो गया वो अब सारे थे तो लोगों ने कहा बस सब अच्छा है वो एक बुरा आया तो डाउन आया तो सब बुरा है ऐसा बिल्कुल नहीं है वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए वो वी जो है वो सिर्फ एक कंपनी पर नहीं देख कर रहा वो पूरी एक इको होता है जब आप ग्रोथ की बात करते हैं ना तो एक इस्टेबलिश्ड इकॉनमी की ग्रोथ के चांसिस कम्पेरटिवलीसेंटेज टर्म्स में कम होते हैं राइट सो जहाँ पर मैं अमेरिका में जब इस्टेब्लिश है तो मैं सौ रुपया डालूंगा और वो साल के आखिर में टू परसेंट ग्रो करेगी तो वह एक से दो रुपया हो जाएगा मैं किसी कंट्री लाइक पाकिस्तान में डालता हूँ अगर मैं किसी तरीके से उसके फंडामेंटल्स ठीक कर देता हूँ और जो कि बाय द वे जो वेज हैड विद पीपल द फंडामेंटल्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड टू बी बिक्सड तो उसके अंदर अगर वो आप फिक्स कर दें तो आप डबल डिजिट ग्रोथ्स देखेंगे पाकिस्तान mm -hmm. के अंदर और जब आप डबल डिजिट ग्रोथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का पैसा जो है वो अमेरिका में नहीं लग रहा होगा वो पाकिस्तान में ला के लगा रहे होंगे बिकॉज उन्होंने पैसा अपना मल्टीप्लाई करना है एवरीबडी वांट्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू राइट एंड सो फॉर स्टार्टर्स पाकिस्तान being in the country that it was but with with the youth population i like a lot of to be honest it's a lot of data and i'll mm -hmm. answer this question in more detail when you ask me k 23 2050 pakistan in mm hai -hmm. because are a lot of data points exist karte hai, jo, pakistan hai, mm -hmm. uh, jo pakistan ko pakistan there is nothing that stops pakistan from being that country that it will be eventually but if you us that ke pakistan से आप छोड़ के क्यों नहीं गए मैं आपको बड़ा ऑनस्टली बताता हूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन्स आईट नाउ एंड वो सारा सारा जस्ट क्लेम के यार uh, बस जी पाकिस्तान जीना मना पाकिस्तान में है, शायद मैं चला जाऊँ एट सम माई लाइफ बहुत अफसोसनाक तो दिन होगा वो मेरी जिंदगी में बट uh, वो होगा अगर mm -hmm. वह हुआ

पाकिस्तानियर आई डोट नो आई डो नो वाई इट के मीन इट वॉज जस्ट देयर इट वॉज जस्ट इट मे बी इट वॉज बिकॉज इट गेव मी सो मच दैर आई वज लाइक मुझे एक एवरेज सा रैंडो सा बॉय मुझे मिल सकती है तो किसी को भी मिल सकती है तो इसी मुल्क ने दिया इसी सोसाइटी ने दी लाइक आई सैड आई गेव इट माई पॉजिटिविटी आई सो पॉजिटिविटी इन रिटर्न एंड दैट मेड मी आई बिलीव एट द एंड डे सो वो जो है ना वो आ, आ, पाकिस्तान में बिलीफ बिलीव सम हाउ वाज माय दादी ग्रोइंग जिन्होंने बड़ा चौदह अगस्त की झंडियाँ और वारा सारा कराया बट आई आई कुड मैं आज भी अगर जाऊँगा ना कभी छोड़कर तो बहुत दुखी दिन होगा आई नेवर बी है कुछ फंडामेंटल होते हैं राइट right? और आ, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं इस निज़ाम के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि हमारे जि, जिसको हम कर कराए थे कि यार ऐसा तो है ना वर्स्ट के सिनारीयों में ऐसा तो है पिछले कुछ अर्से में वो भी शेक शेख हुआ है बहुत से पाकिस्तानियों के साथ हुआ है बहुत से लोगों के साथ वो होता हुआ और इतना इनडिसक्रमिनेटली हुआ है कि आपको रियलाइजेशन होती है कि यार इस मुल्क का जो ताकतवर है ना वो तो पुराने वक्तों में भी ऐसा ही था इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात है yeah. आज हमें नजर आ रहा है तो फिर हमें दिल नहीं कर रहा कि यार वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एनी मोर आई थिंक निज़ाम ऐसा है कि कि यू स्टिल बिलीव दैट द चेंज विल हैपन यस बट द पीपल दैट आर स्टिल इन इट विल नॉट लेट यू यू नो हैव दैट सो मे बी लाइक द आई डोंट नो दे जस्ट इट्स लाइक दे लूट गया चेंज स्टेल आएगा चेंज इनएविटेबल है एवोल्यूशन इनएविटेबल है बस वो दिल उड़ गया कि यार जिस जिस आ, 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 पैशन जिस प्यार के साथ करते थे ना वो पैशन अभी तो गायब है डू फील लाइक यू हैव प्लेड योर पार्ट आई कैन ओनली होप आई कैन नेवर क्लेम हम चलें ये तो वक्त बताएगा कि आप मूव आउट कर जाएंगे या yeah. नहीं कर जाएंगे बट You still believe like do, how do you envision Pakistan of 2050? Like because you have 250 conversations, You have heard mm -hmm. different perspectives. Mm -hmm. The reason that you have asked that question from every guest is because people will change. And when mm -hmm. you are that thought leaders will change, mm -hmm. to the be running the system tomorrow. So there is a lot of um, room to actually change things, to actually do it the way we want to do it, and

यू uh, एक ज़माना था जब बजट की डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन टोटल ये होती थी कि दस परसेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाह बढ़ी है पंद्रह परसेंट बढ़ी है आज कहा जाता है कि यार चैप्टर नंबर फोर के यू नो पैराग्राफ नंबर थ्री के अंदर जो ये शेक डली है ये क्यों डली है ऐसे तो ये इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसके इकनॉमिकस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होते हैं फ्यूल प्राइसेस के ऊपर आज तक पेट्रोल बम था अब उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि यार क्या ये हमारे इकनॉमिक के लिए क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या डॉलर को हम एक सर्टन अमाउंट रखकर अफोर्ड कर सकते mm -hmm. नहीं रख सकते ये बड़ी पावरफल कन्वर्जेशन था और ये मेन स्ट्रीम में हो रही है ये चलता फिरता कर रहा है आई रेम्बर हम स्वाबी में बैठे बेहद एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए और उस गाँव में स्पो टू दिस गायल्ड फॉर फिफ्टी ईयर्स ओल्ड पुलिस कॉन्स्टेबल हैज लिवड इन हिस्स गाँव इंटायर लाइफ Like, uh, उंड देख <laughs> <है> <laughs> yeah. दे। आपको देखा है मैंने yeah. so yeah, that's that's yes. आप इसको डिफरेंट एरिया आप पहले जाए जाता हूँ आप देखें पाकिस्तान में जेंडर का प्रॉब्लम पाकिस्तान में जेंडर का प्रॉब्लम जो है ना वो उसमें एक मेजर वजह यह है कि आपने सोसाइटी को बंद करके रखा हुआ था जब आपने सोसाइटी को बंद करके रखा हुआ था तो जब वो वापस आई है तो उनको तो पता ही नहीं अच्छा और इन अ लॉलेस कंट्री नॉर्मली आप क्या करोगे आप इंक्रीमेंटली उनको एक्सेस ओपन करोगे और आप उनको स्ट्रिक्ट सेट ऑफ लॉज दोगे जिसके तहत उनको पता होगा कि हमारी बाउंड्रीज क्या है इन अ लॉलेस कंट्री इमीजिएट रिस्पॉन्स आपका यही आएगा कि आपका सेक्स क्राइम बढ़ेगा बट हैविंग सेट दैट इवेंचुअली एवोलूशन ऐसी है कि जिसके अंदर आपके वो खुद से सोसाइटी उसको रेगुलेट करेगी और रेगुलेट कर कर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा सेक्स क्राइम इज़ अ वेरी एक्सट्रीम केस बट लोग मुड़ के देखते हैं स्टेयर करते हैं ये करते हैं वो करते हैं जब ये आपस में क्लासेस कनेक्ट करेंगी जब ये आपस में जेंडर्स कनेक्ट करेंगे जब ये सारा का सारा कुछ होगा थिंग्स विल बिकम नॉर्मलाइज आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो कल्चर के इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिमर डाउन हो जाएंगे आप पंद्रह साल पहले चले जाएँ आपकी अर्बन पॉपुलेशन अर्बन भी नहीं अर्बन अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन अपने साइलोज में रहती थी उनकी अपनी पूल पार्टीज भी होती थी और आपकी मैसेज जो है वो मिला कर रही होती थी बैठी हुई ठीक mm. है आज आपको इंस्टाग्राम टिकटॉक के सब पे सब नजर आ रहा है और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता चलो शोर भी मच रहा है ना तो शोर मच रहा है इस वजह से बिकॉज पहली दफ़ा नजर आ रहा है इवेंचुअली पीपल विल रियलाइज यार ऐसे भी लोग होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं इट्स ओके ह्यूमनाइज हो रहे हैं पीपल साफ सी बात है बहुत सारे टॉलरेंट लोग हैं सोसाइटी के अंदर मेरे बड़े सारे हम सारे टॉलरेंट थे हम पैदा टॉलरेंट अल्ल तक ने इस्पेल एक टॉलरेंट का जीन डाल के भेजा था हमारे अंदर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थी ना पढ़ा लिखा सारा कुछ किया दुनिया को देखा ट्रैवल किया तो बड़ा कुछ सीखा आपने मैसेज को तो कभी कुछ सिखाया ही नहीं था वो तो अपने गाँव से बाहर नहीं निकले थे और फिर आप एक्सपेक्ट करते थे कि उनका दिमाग खुला होना चाहिए आज उनको निकलने की ज़रूरत नहीं है वो वहीं बैठ के जो है ना वो नैस डेली को देख रहे हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर वो वहाँ से बैठ के जो है पूरी दुनिया को एक्सेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन उनको पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं दीज थिंग्स विल क्रिएट ए मैसिव इम्पैक्ट जो कि आपको नजर भी नहीं आ रहा आपको समझ भी नहीं आ रही और आपकी सोसाइटी ऐसे उस पर होगी फिर आपके जो अब हमारी पॉडकास्ट के ऊपर आपके एटेक वाले आए हैं बड़े थोड़े लोग देखते हैं उसको सच्ची बात है अनफॉर्चुनेटली वो जो एक्सेस टू एजुकेशन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाली है आपके 20 साल 30 साल बाद ये जो आउट ऑफ स्कूल किड्स हैं ये बहुत ज्यादा हो चुका होगा ऑब्वियसली यस आपका जो है वो एग्रीकल्चर का मसला मतलब मुझे रीजन व्हाट गिव्स मी होप इज यार ओ, देखो जरा बड़ा आदमी ऐसा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी मैं आता हूँ yeah. वो बुरा तो नीचे तो सारा कुछ है यार आपका जो मसला नजर आता है पाकिस्तान में कोई सॉल्व करने बैठा हुआ है एग्रीकल्चर का मसला था मैं बड़े उसके पीछे पड़ा हुआ था वो फॉर्मर वाली कॉन्वर्जेशन वो और उस तरह के चार और लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो कि कर रहे हैं और वो इस इस लेवल के ऊपर कर रहे हैं इट्स अ टू सेवन ईयर प्रॉब्लम इट विल बी सॉल्व इन पाकिस्तान अच्छा लोग कहेंगे यार ये तो बातें लोग एटीज़ में भी करते थे आप हिस्ट्री उठा के देख लें जिस लेवल का इम्पैक्ट जिस लेवल का काम प्राइवेट सेक्टर से हो रहा था वो आज से दस साल पहले नहीं हो रहा था लोगों को पता ही नहीं था लोगों को एक्सेस ही नहीं था आज वो कर रहे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं वो टैलेंट बिल्ड कर रहे हैं साफ सी बात है वेन दे एयर वर्किंग ऑन दिस थिंग देर बिल्डिंग टैलेंट एयर लेफ्ट तबाह हुई है ना एयर लेफ्ट का टैलेंट अभी आप देखेगा अगले पाँच साल में क्या कुछ नहीं करके निकालेगा वो अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके तो इम्पैक्ट जो होता है वो और और ये जो चीज़ें हो रही हैं जो 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 बुरी चीज़ पाकिस्तान में कभी हुई है ना मैं पहली चीज़ देखता हूँ देखता हूँ दुनिया में कहीं और हुई है नहीं हुई पहला काम है ये करता हूँ हमें बड़ा वो होता है कि यार हम कोई स्पेशल मखलूक हैं हम ही बुरे हैं हम ही बुरे हैं हर बुरी चीज़ को साथ लगाओ एक पोस्ट वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर वो कि इंडियन सी ई सारे टैक्स ईस कहाँ हैं और अपने मुल्ले लगाए हुए थे उन्होंने कहा देखो जरा मौलवी है यार आपने पाकिस्तानी मौलवी को कंपेयर करना ना इंडियन मौलवी से करो यार ठीक है आप जाओ जाके देखो कि आपका एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लीडर पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिलीजियस लीडर्स भी हैं आपको एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लीडर पाकिस्तानी देख रहे हैं आप इंडिया से कंपेयर करो देखो उनका क्या कर रहा है आपने उनकी टैक को कंपेयर करना है आप पाकिस्तानी टैक को भी कंपेयर करो ना मैं मान रहा हूँ ये बात कि यार वो नाइनटी में लेबलाइज हुआ था उनकी पहले से काम हो रहा था वो आपसे थोड़ा स्टेप्स आगे हैं लेकिन क्या आप नॉन दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू आई नो सो मेनी वी पीज इन दिल्कोन वैली हुआ पाकिस्तानी आई नो सो मैनी स्टार्टअप इन दिल्कन वैली हुआ पाकिस्तानी जो वैल्यू जनरेट कर रहे हैं जो टोटल इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये मैंने फातम अजहर की उस पर भी थोड़ी सी पॉडकास्ट पर थोड़ा सा इसके ऊपर हवाला दिया था कि वो द डेज ऑफ द गवर्नमेंट रनिंग द कंट्री आर गॉन द डेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ड्राइविंग द गवर्मेंट आर अप यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरा आपके कल्चर की बात आती है उससे आपको जो है ना मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है टिकटॉक है हमें बुरा लगा ना हमारी हमारी निचली क्लासेस को हम देख के अजीब लगे वो आते थे आके जब वो हमारे सामने होते थे हम सीधे होके बैठते थे हम, हम उनके सामने वो जाते थे वो सीधे होके बैठे होते थे आज वही लोग जो हैं वो आपके सामने कुछ हैं टॉक पे देरसल्स yeah. आपको जितना क्रेंज लगे आपको पहली दफ़ा उनका पता लग रहा है और चाहे आप गलत कर रहे हो चाहे वो गलत कर रहे हैं जब तक लोगों को पता नहीं होगा ना तब तक आप उसको बैठ के फिक्स uh, करने पर जाओगे भी नहीं पाकिस्तान टूडे आर नॉट प्रॉब्लम इज सडनली फेसिंग दे आर प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम आर बिगेउट एंड वैन यू वैन यू डू दैट दैन दोल्यूशन इज इन एविटेबल अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान इस प्रॉब्लम की वजह से खराब है तो मुझे तो ये बात ऑनस्टली आई आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार अगर आपको वो प्रॉब्लम आज समझ आ गई है तो इट्स इट्स नॉट लाइक इज गोइंग टू स्टे दे फॉर द नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट इन द एटीज यू नो अगर वो एटीज में कर रहे होते शायद आज पाकिस्तान फर्क होता द सो सो ये वाली बात है कि यार पाकिस्तान की होपलेस है ये है वो है आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट करके उसमें पाकिस्तान को शायद बहुत हाई उस पर से थोड़ा सा नीचे ले आओगे एक 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 लाइफ साइकिल है पाकिस्तान का राइट जिस तरह हमने पॉडकास्ट का लाइफ साइकिल बनाया था उस दिन इसका भी एक लाइफ साइकिल है और उसने क्रिटिकल मास रीच करना है आप अर्ली अडॉप्टर फेज़ में हो बहुत सारे इंडियंस आते हैं पॉडकास्ट के नीचे आके हर वक्त इंडिया का हवाला दे रहे होते हैं हमने तो ये कर लिया हमने तो वो कर लिया सर आप करते रहे मैं भी आपको अमेरिका के हवाले दे सकता हूं कि आपने क्या कर लिया और अमेरिका ने क्या कर लिया आप तो कुछ भी नहीं है दैट डजन मैटर नो बटी केयर्स यू नो आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर कर रहे रहे हो हो हम आवर ओनली इज विद एंड ईयर 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 ऑन ऑन वी वी आर आर ग्रोइंग डूइंग बेटर आपके मैक्रो फंडामेंटल्स शोर ओहो हो की तरफ चले गए ये चले गए वो चले गए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ जो पाकिस्तान तो नाइन्टीज़ का पाकिस्तान था जब हम बैंक्रप्सी की तरफ गए जो पाकिस्तान 2016 का पाकिस्तान था जिसके बाद वो पॉलिसी शिफ्टी से पूरा पाकिस्तान भंगड़े डाल रहा था और उस भंगड़े के बावजूद जो है वो पाकिस्तान अठारह में जाके जब बैंक की तरफ चले गए तो जाहिर आप चले गए क्योंकि आपके पब्लिक को पता ही नहीं था आज का पाकिस्तान फ़र्क है आज का पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहा है कि यार हमें डॉ हमें पेट्रोल सब्सिडी नहीं देनी चाहिए उससे हमें नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन शायद उस वक्त अगर दस लोग थे आज सौ लोग होंगे आज से चार साल बाद हज़ार लोग होंगे उससे वो एक एक्सपोनशली ग्रो करेगा विद टाइम

वो होता ना प्लेटफॉर्म ही नहीं था लाइक अगर आप ये कह रहे हैं कि आ, पहले एटीज में ये चीज़ें हो जाती हैं किसी ने बताया ही नहीं कभी किसी को किसी ने बताया हर किसी ने बस कहा ये तुम्हारे काम का नहीं ये ये तुम्हारे काम का नहीं ये मेरा काम है तुम ये करो तुम अपने काम में रहो ये बट इट्स एवरी थिंग इज सो इंटरकनेक्टेड लाइक एक जनरल मै बंदे का ये जानना कि पेट्रोल में क्या हो रहा है इन्फ्लेशन किस तरीके से हो रही है किस तरीके से गवर्नेंस में हो रही है पॉलिसी क्या है टेक पे क्या हो रहा है

वो स्टार्ट है अभी बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में इवेंचुअली माइल्ड भी हो जाएगा बट दैट इज द स्टार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी यस वो सही हो या वो गलत हो वो जैसे भी हो तो पब्लिक इज़ नॉट रेडी इज़ नॉट रेडी टू सिट साइलेंटली एनी मोर कि आप जो घोल के पिला दोगे चाहे आप कंपनी हो कंपनी हो आप फालतू के अब पब्लिक जहाँ पर आप किसी की प्रोडक्ट ले रहे हो आज से दस साल पहले चले जाएँ mm -hmm. कोई भी कंपनी है मक्का की कंपनी है वो मक्के का ये करती है आपके तो यार क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या आपको पता है कि जिस जो ये कंपनी बना रही है वो एक्चुअली कितना पैसा वो कमा रही है साल के एंड में हो सकता तो है वो लॉस में जा रही है yeah. no no पता है yeah.

डिजिटाइजेशन जो गवर्नेंस गवर्नेंस के अंदर हो गई कंपनीज के अंदर हो गई सेठों ने बड़े अरसे तक कहा कि यार हम कैलकुलेटर्स में ज़िंदा रह लेंगे अब नहीं रह सकते अब वो जा रहे हैं और जाके अपने आई टी स् भी डलवा रहे हैं अब डिजिटल फर्स्ट कंपनीज भी आ रही हैं जहाँ पे बैंक्स आपके हमारी पॉडकास्ट का बड़ी दफा डिस्कशन हुई है बैंक सर नॉट वेरी इनोवेटिव दे वेरी गेट कीप करते हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को वो सारा कुछ है कोई मसला नहीं है जी सादा पे आ रहा है नहाँ पे आ रहा है इजी पैसा है जैस कैश है लाइन लगी हुई है आपको टेंशन ही कोई नहीं है सो in every industry, there is crazy evolution happening. uspe failures, honge. failures will uh, again breed success and uspe it. but it is only a matter of evolution and that is going to happen. now, coming to political. i know right now is a very de uh, depressing time for yeah. a lot of people, right? and i'm not going to sit here. i'm, I'm, going, I'm going to be neutral here and i'm going to say not say yaar, mm -hmm. all i'm going to say is that you know, we talk about democracy in, in, in Pakistan and unfortunately the way the system is that was a true democracy hai na, mm -hmm. wo designed hi aise do party system hai. O do party system mein, ek mein ek family ek mein ek family that is not democracy. That is literally uh, uh, aapka wo hai ke aapne ek uh, do khandaan hai, mm -hmm. do different kings ke khandaan hai. और उनके नीचे आप हॉर्समैन flip करते रहोगे depending on के किसकी हवा चल रही है आजकल तो वो उसकी ऊपर फ्लिप कर जाओ हैविंग सेट दैट श्रीलंका में भी ऐसा ही था और mm -hmm. इंडिया में भी ऐसा ही था श्रीलंका में तो आग लगी आपके सामने ठीक mm -hmm. है इंडिया में बगैर आग लगे आप एज पाकिस्तानी जितना भी कह दो ना कि बीजेपी ये बीजेपी वो, वो मोदी ये मोदी वो द फैक्ट इज के इंडियंस एट लार्ज बाय एंड लार्ज दे हैव रिजेक्टेड कांग्रेस दे हैव एक्सेप्टेड मोदी लेस फॉर मोदी एंड मोर फॉर वट दस डन ठीक है एंड देन मोदी डूइंग डूइंगट इज गुड फॉर हिज मेजोरिटी ऑफ हिज पीपल इज एड टू दैट इज वेल आप जाके देखें कांग्रेस को कितना वोट पड़ता है वहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उनकी या yeah. ठीक है और आप देख लें कि वहां के वही वही डेमोग्राफिक है वही लिटरेसी की डेमोग्राफिक है वही पॉवर्टी की डेमोग्राफिक है वही हंगर की डेमोग्राफिक है ठीक है कल मेरे भाई पूछ रहे थे लाइक 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 ही वाज वाज विजिटिंग पाकिस्तान इंडिया देखो इतना आगे निकल गया मैंने कहा इंडिया में बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं mm -hmm. और बहुत ज्यादा पॉवर्टी है yeah. जब इंडिया जाके उसमें इक्वालिटी लेकर आएगा दैट्स वन आई विल से यार इंडिया हैज फाइनली क्रैक द कोड

उसमें उसी एजुकेशन लेवल पे उसी सारी चीज़ पे उन्होंने देखा ना उन्होंने सीखा समझा एक्सेस आया उनका इंटरनेट थोड़ा पहले आ गया था उनके स्मार्टफोटेशन थोड़ी है पहले हो गई थी उनके लोग थोड़ा पहले जो है ना चीज़ों को समझना शुरू हो गए थे तो उन्होंने उससे थोड़ा पहले रेजोनेट किया और उन्होंने चेंज कर दिया आज की जो पॉलिटिक्स है बड़ी पोलराइज है और हमें लगता है कि डू वो डाय ठीक है मुझे नहीं लगता कुछ भी हो जाए ना चाहे वो करंट जो ओपोनेंट्स हैं करंट फेडरल गवर्नमेंट के वो आ जाएं वो ना आए जो भी आए द द सक्सेस इज इन द पब्लिक इट्स द वे दैट द पब्लिक नाउ नोज एंड अंडरस्टैंड आज एक जाएगा कल दूसरा कंटेंडर खड़ा होगा कल दूसरा इसके ऊपर मैं बड़ा होपिल किया तो खान साहब ने कुछ किया और ना किया उन्होंने स्पेस खोल दिया yeah, that I agree. उन्होंने फ्लड yeah. गेट्स खोल दिए और अब आप देखें वो इमरान रियाज खान के साथ हुआ ना आप एग्री करें डिसग्री करें इससे पहले आज तक किसी ने इस तरह आके दिखाई है नहीं और वो ढाई मिलियन से साढ़े तीन मिलियन पे उसका सब्सक्राइबर पहुंच गया पब्लिक ट सर आपके सामने yeah. बेशक वो गलत कह रहा हूँ बुरा आदमी हो मैं मान लेता हूँ पब्लिक सेंटीमेंट आपके सामने आपको उस चीज को समझना चाहिए कि यार yeah. ये पब्लिक के साइड पे खड़ी हुई है आप उसके साथ लड़ने की कोशिश करते रहे मैं आपको बता रहा हूँ यू कैन नॉट फाइट डेटा या समझ आ रहा है कि so like I said it's 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 a it's an it's an evolution that is not tied to individuals yeah, personalities yeah. it is not tied to uh, you know do or die situations that we're beginning to see right now it is inevitable 2050 का पाकिस्तान now coming to that 2050 का पाकिस्तान में water crisis भी नहीं होगा इसी में सिलेक्वल है हमने डिस्कस किया है water crisis imminent in 2024 का food crisis भी नहीं होगा 2050 का पाकिस्तान जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा well integrated होगा Uh, बहुत सी दुनिया हमारी तरफ देख रही होगी uh, ख़्वाब लगता ही है ये दुनिया हमारी तरफ़ देख रही होगी फॉर uh, कि यार हमारी तरफ से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बन के जा रही होंगी चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में हो चाहे वो uh, हार्डवेयर सेक्टर में हो या प्रोडक्ट्स उस तरह की हो हों um, आपका जो है वो आप इंटीग्रेटेड हो गए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग चाहे वो रीजनल हो चाहे वो ग्लोबल हो um, मैंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया आप मैं थोड़ा सा अगर ग्लोबल में भी क्विकली जाऊँ तो आप डेमोग्राफिक देख लें एजिंग पॉपुलेशन यूरोप एजिंग पॉपुलेशन चाइना ठीक mm -hmm. है चाइना नीड्स टू तो आउटसोर्स इट्स इंडस्ट्रीज yes. यूरोप नीड्स टू तो फिगर आउट ऑल्टरनेट वेज टू तो आइदर ब्रिंग पॉपुलेशन टू तो देयर कॉन्टिनेंट जिस जिसमें उनको एक यंग एजुकेटेड क्लास चाहिए वो उनको इंडिया पाकिस्तान बंगला से ही मिलेगी उनको उस वक्त कोई दुनिया में कहीं और से नहीं मिलेगी जो कि इंग्लिश स्पीकिंग भी हो या यूनिवर्सल लैंग्वेज जानती हो

दिस इज हंड्रेड टेन परसेंट दिस नॉट जस्ट देंचरी ऑफ एशिया बट ऑल्सो जो ये बंगला इंडिया पाकिस्तान ईरान तुर्की वाला जो है ना ये ये बहुत 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 बड़ा ब्लॉक है आने वाले वक्तों में और उस ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान का जो जो ये चीज जो है ना ये प्रॉब्लम सारे, mm -hmm. आ रही है आयर आउट दिस इज इेलिवेंट प्रॉब्लम चूंकि आयर एन आउट हो जाएंगे वन वे और अदर शायद हम हार मान लें शायद कोई और हार मान ले शायद दोनों कहेंगे यार टेबल पे बैठो फिगर आउट कर लो Uh, but it's easy to have these sort of uh, polarized uh, 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 fights and वो जो access to information नहीं होता। Yeah। As more and more people get access to information, as more and more people learn, get knowledge, get educated, uh, you will begin to find solutions that will be more beneficial to you and your populations। Um, जो आपका, uh, again like I said कि कुछ चीजें internally हमने fix करनी है, कुछ चीजें externally हमने fix करनी है। बहुत से लोग आके कहते हैं कि यार हम हो सकते हैं Uh, 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 अगर हम ये कर लें तो मैं उस पर यही कहूँगा कि इट्स एन एनविटेबिलिटी मैंने मैं इसको ना अपनी इंडस्ट्री से थोड़ा सा वो करता हूँ दो हज़ार पंद्रह में मैंने ये सोचा कि यार अगर अच्छा ऑडियंस हो तो मैं व्लॉगिंग कर लूँ फिर मैंने दो हज़ार उन्नीस में सोचा कि यार अच्छा दो हज़ार पंद्रह में मैंने सोचा कि अगर अच्छी ऑडियंस हो और मुझे हाँ। तो नज़र नहीं आ रही थी मैं तो देख रहा था मुझे तो कहीं नज़र नहीं, नहीं आ रहा था और मैंने नहीं की ब्लॉगिंग और अठारह में आपको नजर आया कि व्लॉगिंग वाज अ थिंग yeah. एवोल्यूशन हुई और लेक पहुँच गई उन्नीस में मुझे मैंने फ्लिप किया और मैंने कहा कि यार नहीं ये तो होना ही है yeah. या मैं करूँगा या कोई और करेगा ठीक है और वो आपके सामने रिजल्ट उसका भी आपके yeah. सामने मैं आपको उसी उस पर कह रहा हूँ आपकी पब्लिक भी उस जगह पर खड़ी होगी आपकी इकोनॉमी भी उस जगह पे खड़ी होगी अब जो पब्लिक है ना वो यहाँ पे बैठ के खप मचा सकती है और ये कोई नहीं वो पागल है मुल्क तब है कोई फायदा नहीं सर आप ये सोच लें या तो आप बाहर चले जाए ठीक yeah. है तब आपका शायद अच्छा सीन हो जाए वरना पाकिस्तान में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप रिग्रेट करेंगे तीस साल बाद क्योंकि मुल्क में पैसा भी आना है मुल्क में मिले भी बनने हैं मुल्क ने इम्पैक्टफुल uh, पावरफुल चीज़ें भी करनी है इधर आप बिलीव करके कर सकते हैं ये चीज़ें इधर यू कैन बी पार्टन नॉट बीटिक राइट एट एंड ऑफ द डे और एक लास्ट कॉमेंट मैं इसके अंदर तो ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान में नॉट बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग अब्रॉड विच आर इज वेरी स्मॉल लाइक आई एव ओपन माई डोर आई एम नॉट सिंग आई एम मूविंग अब्रॉड इन पाकिस्तान फॉर द गुड फॉर सिविल फ्यूचर बट पाकिस्तान में हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बहुत डिस्काउंट करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं हम उसमें वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेन ड्रेन मैं टेक की बात कर लेता हूँ फास्ट mm -hmm. से बच्चा निकलता था जब मेरे भाई लोग थे तो उस वक्त सौ बच्चा निकलता था फास्ट में जो इंस्ट्रक्टर्स थे ना वो कोई बहुत कोई मैजिक इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे वो mm -hmm. वो ऐसा टैलेंट था जो कि पाकिस्तान में बहुत अवेलेबल है बहुत पैशनेट थे बहुत सारा कुछ था बट वो तो अवेलेबल वो टैलेंट था मुझे उतने इंस्ट्रक्टर्स मुझे उतना कि पाँच और इंस्ट्रक्टर्स मतलब फाइव टाइम्स मोर इंस्ट्रक्टर्स मिल सकते थे उन सौ में से सौ बंदा बाहर बैठा हुआ आज ठीक है आज का देखने वाला कहेगा ब्रेन ड्रेन हो गया बंदा बाहर निकल गया सारा का सारा वही बंदा पाकिस्तान में भी काम कर सकता मैं उसने नहीं देखता वो बंदा पाकिस्तान में तो बहुत थोड़ी वैल्यू जनरेट करता वो बाहर गया पहले तो वो जो जितने उनके पैसे कमा रहा है वही आज पैसा बेच के वापस अपनी वीसी के थ्रू स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है प्लस वो उन्होंने वो बैरी डाउन दिया अपने प्लॉटिंग में खरीदी हैं वो भी डॉलर ले भेजा है उन्होंने बट आपका अगर बंदा मैं मैं इसको ये कहता हूँ वी शुड सी योर द पीपल मूविंग अब्रॉड एज अ एज अ डेफिनेटिव इंडस्ट्री हमें उसको एक इंडस्ट्री बना देना चाहिए और कॉल इटा ह्यूमन कैपिटल इंडस्ट्री जो कि आप एक्सपोर्ट करते हो इट इज योर लार्जेस्ट इंडस्ट्री इट्स बिगर देंट टेक्सटाइल टेक्सटल डवेंटी बिलियन योर ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट डस थर्टी बिलियन डॉलर ईयर सेंड्स बैक टू यू शुड डिजाइन प्रोग्राम एंड एनश्योर के वाइल पीपल लोकल डिमांड के लिए आपका लोकल की अवेलेबलिटी भी है आप इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से सोचें मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में डबल रोटी की इंडस्ट्री है ठीक mm -hmm. है और उसका बड़ा फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है ना उसको सपोर्ट करती है तो आप ये तो नहीं उनको क्रिटिसाइज़ करोगे कि यार अगर टी को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया तो नान जो है उसके तो यार, कि वीट हम कहा से प्रोक्योर करेंगे mm -hmm. ताकि दोनों इंडस्ट्रीज डिमिनिशिंग योर लोकल डिमांड यू दैट्स ऑन वन इंडस्ट्री दैट इज गिविंग यू इनक्रेडिबल वैल्यू डॉलर बेस्ड वैल्यू हमारे यहाँ हमारी कनेक्टिविटी का इंडिया ने फर्क किया था इंडिया ने उनको एनआरआई बनाया उनको, किया, उनको है, आज जो बैठे ना वहां पर वो एक दूसरे की सपोर्ट पर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी निकलता है तो गिल्ट के साथ निकलता है यार मैं तो मुल्क को छोड़कर जा रहा हूँ फिर वो कहते हैं यार मुझे ना जो आप गिल्ड के साथ किसी चीज से होते दूरी रहते हो आप उससे धड़ले से निकलते हो ना कि यार अपने मुल्क का टुकड़ा लेकर बाहर जा रहा हूँ तो आप जाते हो और आप जाके इंश्योर करते हो कि यार एवरी अदर एस्पेक्ट मैं चार और लोगों को ला सकता हूँ मैं उनको भी लेकर कर आऊँगा मैं बिजनेस आउटसोर्स करके मुल्क में ले जा सकता हूँ मैं वो भी करूँगा वी रियली नीड टू इंक्रीज आर ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड आई थिंक द इजिएस्ट वे टू डू दैट इज़ नॉट बिकॉज कि किसी गोरे को बेच mm -hmm. दो किसी को इसको ये कर दो इसको मार्केट ऐसे कर दो यार आपके पास यू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड

यार दैट योर एसेट एंड देट कुड बी योर वो एज वेल यू नो वन थर्ड ऑफ योर ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ पीपल एंड ऑफ ऑफ अ डिफरेंट हेरिटेज सो इट्स रियली जस्ट अबाउट चेंजिंग दैट परस्पेक्टिव वी रियली नीड टू बी अ ग्लोबल कंट्री बिकॉज नॉट बिकॉज के यार हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हम मनवा लेंगे

इट्स अ ग्लोबल प्ले मुझे पिछले दिनों बड़े साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कहा पाकिस्तान में ना मसला ये है कि हमारा जो अमीर है ना उसकी सोच बड़ी छोटी है क्यों सर कहते हैं वो बड़ा खुश है ना वो अपना पाकिस्तान उसका गाँव है वो उस गाँव का सेठ है hmm. और वो उस गाँव में खुश रहता है वो दुबई जाता है ना तो उसको क्यों से इन सिक्योरिटी हो जाती है यार ये इंडियन इतना अमीर ये चाइनीज़ इतना अमीर और वो ज़्यादा कम्पीट करने का सोचता भी नहीं है और ये एक्चुअली ट्रू है वो खुश है कि हमें शुगर की सब्सिडी मिलकर बस मैंने इतना इतना पैसा कमा लिया यार वाई कॉन्ट यू कम्पीट विद द विद द रीजन वाई कंट यू कपीट विद द ग्लोब हम जितना अपने रिच को गालियां दे दें आपका रिच यार कोई पांच अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाता आप जाके इंडिया का रिश्त देखो आप जाके चाइना का रिश्त देखो वाई इज इट दैट योर रिच है टेक्निकली अगर वो करप्ट है अगर दो नंबर है अगर वो है तो दैट रिच शुड राइट नी सुपर सुपर रिच वाई इज इट अगर आप डिस्पैरिटी के स्टार्ट देखे ना यू आर मच बटर ऑफ देव अच लार्जर मिडिल क्लास पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज एंड यूर मडल क्लास पॉपुलेशन अच लार्जर डिस्पोजेबल इनकम दें द इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलशन

Yeah. going out doing so many things like but agar aap unko us cheez ki recognition de do appreciation de do and really use that bank for yourself in the build a structure build a process yeah. maximize the potential okay. yeah right uh, and then usme hai ke coming back to my wo, main ye ke one of the reasons why I would want to go abroad if I do end up going abroad is because I personally think that uh, uh, इन टर्म्स ऑफ जो मैंने इंडस्ट्री की बातें yeah. की जो स्टडी की बात की वो मेरी बहुत कम रह गई है पाकिस्तान में द इज़ नाट ए लॉट ऑफ ग्रोथ हेर सो मैं चाहूँगा कि मैं मास्टर्स और पी एच डी करूँ लाइक मेरे मेरी जिंदगी का एक ख्वाब है कि मैं डॉक्ट्रेट करूँ डिजिटल मीडिया के अंदर या डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स के अंदर या कंज्यूमर डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर uh, तो इट्स नॉट लाइक आई सेड इट्स नॉट अ लैक ऑफ बिलीफ yeah it's more about like what's left for me and what what i what yeah, i can do how yeah, can I add, yeah. I add maximum value i, can do of I think you will if, uh, if, if, even if you go you will always come back to pakistan like maybe, you know we'll see, yeah. we'll see if if, 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 yeah, if i go oh in. but that's in big 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 if but uh, thank you so much By, uh, the it, i think the envision stuff in itself is so much to <laughs> यू नो लर्न फ्रॉम लाइक आप वैसे बैठ के बस देख रहे होते हो कि अच्छा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है लोग सारा सुनते रहते हैं बहुत सारा डाटा है लोगों के पास डिफरेंट एपिसोड में बट लाइक हाउ यू है ये हुआ mm -hmm. है पिछले दो सौ पचास एपिसोड में दिस इज ऑल्सो वट आई थिंक दैटन दैट इट्स द फर्स्ट टाइम द पीपल आर रियलाइजिंग हैव द बिगेस्ट स्टेक इन ऑफ दिस वी आर वोक इनफ टू नो कि अब इसको ये चीज़ इट्स नॉट ओके विद अस सो हमने उसको क्वेश्चनिंग करनी है सो so, हम उसका पॉइंट रहे ना रहे वी कैन बी सिनिकल अबाउट इट वी कैन मूव आउट ऑफ दिस बट वो चेंज आने लाइक यू सर इट्स इनएविटेबल वो आएगा वो तीस साल बाद डेफिनेटली होगा यू कैन से कि ओ आई प्रिडिक्टेड दैट और यू कैन से लाइक यू नो ओके वाओ वो वाली सारी चीजें एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट दिस विल दैटन बट या आई थिंक It's just, uh, I'm also very um, excited that how things will work out for, uh, you know, for Pakistan in general. And then I think with that, let's just wrap it up. <laughs> 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 yeah, so uh, thank you so much, Muzamil Bhai, for coming. And I really hope that your surgery goes And then you are Incha. back uh, with full force again for TBT because audience will be like missing t uh, Muzamil, <laughs> Muzamil Bhai. And, you know, remove this girl from here. no. I think you did a, you did a remarkable job. Uh, better than last time. <laughs> I hope <laughs> much so. better than last time. <laughs> yeah. I think I would love to see here the comment section. <laughs> How do you guys think Yusra performed this time around as a host? Let us know in the comment section below. Yeah, and if you like the episode, please do share it with everyone and um, please bell icon the badhiye because you never know apka baane wali episode so you really need that notification. एंड देन सेम फॉर दडियो प्लेटफॉर्म एज वेल आप सब्सक्राइब uh, करेंगे तो यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट द एपिसोड जैस कैश ईजी पैसा यहाँ पर कहीं आ रहा होगा यू कैन सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनी थिंग फ्रॉम वन रुपीज नो एज मच एज यू वॉन्ट इट्स दॉट दैट मैटर्स एंड देन आई थिंक ग्रेट ये विद नॉट वो वाली स्पीड नहीं थी बट सेट एवरी थिंग लाइक दट बट एनी वेज दिस वॉज यूज फर मुर्तजा यू आर वॉिंग थॉट बिहड थिंग्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन